एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो आज इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप लोग बहुत टाइम से मुझे बोल रहे हो कि मैम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ यूवी बचा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, यूवी खत्म करते हैं, उसके बाद मोस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म करेंगे। और जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा अपना, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम। और इन बिटवीन में रिएजेंट्स या फिर नेम रिएक्शन की वीडियो डालती रहूंगी। जैसे आप लोग मुझे बोल रहे हो कि मैम नेम रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट करवा दो, तो पता है क्या होगा, अगर मैं नेम रिएक्शन स्टार्ट करवाऊंगी ना तो कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। क्योंकि क्या होगा, सिर्फ एक नेम रिएक्शन पढ़ने से आप इतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे पेपर में। तो ऐसा है कि हम साथ साथ बीच में कभी कभी पढ़ते रहे, कुछ आप पढ़ते रहो, कुछ मैं पढ़ाती रहूंगी। तो इससे क्या होगा, कुछ ना हमारे नेम रिएक्शन कवर भी हो जाएंगे और साथ में हमारे जो सिलेबस जो मेन है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्फेयर, यूवी हो गया, या फिर हमारा जो क्वांटम है, ऐसे वाले चैप्टर हमें खत्म करने, जैसे ज्यादा स्कोरिंग हो पाए आपका, ज्यादा स्कोर कर पाओ। तो जो नेम रिएक्शन है, जो रिएजेंट्स हैं, उनको मैं बीच में कभी कभी वीडियो, मतलब रैंडमली कभी अपलोड करूंगी, लेकिन मेन फोकस हमारा इसी पे रहेगा, पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी देन क्वांटम, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अगर आपने बाकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। सारी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो चुकी है, सिर्फ यूवी बची हुई है, तो वो भी हम करते हैं। बहुत लॉन्ग वीडियो होने वाली है, लेकिन खत्म हो जाएगा इसी में यूवी चैप्टर। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आप खुद से जहां से भी देख सकते हो कर सकते हो, वहां से क्वेश्चन सोल्व। एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि यूवी से ज्यादा पोर्शन जो है वो नेट में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम क्या, कभी कभी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आते। गेट के एग्जाम में जनरली क्या होता है, आपको निकालना आता है, यहाँ पे लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन करने आ जाते हैं, क्वेश्चन आता है गेट में, बट नेट में इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगी, लॉन्ग वीडियो, जिसमें जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो सारा कवर करवा दूंगी, बाकी आप क्वेश्चन वगैरह देख लेना। अगर आपको कुछ चीज कंसल्ट करने के लिए कोई बुक चाहिए, तो पाव्या बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, वहां से आप कर सकते हो। मैंने लिंक ऑलरेडी डाला हुआ है गूगल ड्राइव पे, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं यूवी। आपने सुना होगा हम क्या करते हैं, यूवी विजिबल को ऑलमोस्ट साथ में स्टडी करते हैं, और यही वाली मतलब यूवी विजिबल वाली रेंज ऐसी होती है जिसकी वैल्यूज हम सबको याद होती है कि कहां से कहां तक लाइक करता है। तो जनरली क्या होता है, 200 to 800 नैनोमीटर, ये है हमारी यूवी विजिबल की रेंज। और इसमें से अगर मैं यूवी और विजिबल को अलग अलग कर दूं, तो क्या होता है, 200 to 400 ये हमारी किसकी रेंज है, ये है हमारी यूवी की रेंज, और 400 to 800 ये है हमारी विजिबल की रेंज। ठीक है, ये तो मैंने एक रेंज ले ली, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में, 200 से नीचे भी कुछ जो वैल्यूज आते हैं वो भी हम यूवी में ही काउंट करते हैं, इसको हम फार यूवी या फिर नियर यूवी करके इस ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं। तो क्या होता है, अगर आप पाव्या देखोगे जो कि स्टैंडर्ड बुक है, तो उसमें लिखा हुआ है 190 नैनोमीटर to 400 नैनोमीटर जो है ये है आपकी यूवी की रेंज। तो रफली आप याद कर सकते हो 200 to 400। इसमें क्या होता है, अभी आपको ध्यान ऐसे रखना है, यूवी का मतलब क्या है एक्चुअल में, इसमें होता क्या है, जैसे जो हमने पढ़ी है फिजिकल में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट करता है। मॉलिक्यूल मतलब सपोज को एक्सरे हमने ले लिया, ये बॉन्ड है, तो क्या होगा, बॉन्ड वाइब्रेट करेगा, जैसे हम स्प्रिंग कंसीडर करते हैं ना बॉन्ड की जगह पे, तो अगर मैंने बॉन्ड को एक स्प्रिंग मान लिया, तो अगर हम स्प्रिंग को हल्का सा हिला के छोड़ दे, वो वाइब्रेट करता रहेगा अपनी पोजिशन पर। तो वाइब्रेशन में क्या होता है, बॉन्ड वाइब्रेट करते हैं। ऐसे ही जो हमने माइक्रोवेव पढ़ी है रोटेशनल, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल रोटेट करता है, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट चेंज होती है ना, इस तरह की हम बातें पढ़ते हैं। लेकिन जो अपने ये वाली है यूवी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दूसरा नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपने फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक पढ़ी है, जिसमें आप फ्रैंक कॉन्टन प्रिंसिपल वगैरह पढ़ते हो, तो उनमें क्या होता है, बेसिकली वो सेम है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक वाले मोलिक्यूल्स है अपने कीटोन्स एल्गीन्स, इनके बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन ये दोनों सेम ही है। अभी हमें क्या करना है, चलो ठीक है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है, जैसे हम रोटेशनल में और वाइब्रेशन में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के लेवल्स कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूल रोटेट करके इस वाले लेवल में हो गया, वाइब्रेट करके यहां तक चला गया, मतलब और तेज वाइब्रेट करने लगा है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन में लिखी है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक
ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ही हमें पढ़ना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होगा, कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, अगर हम मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एटम की बात कर लेते हैं, जैसे अगर हम एमओ डायग्राम बनाए किसी का भी, आप एच टू का बना लो, ओ टू का बना लो, तो हमें क्या होता है आपके पास कुछ होमो होगा, सपोज करिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन स्पिन कर लिए और ये हमारा वेकेंट है, ऐसे मैं रैंडम एग्जाम्पल समझा रही हूँ। अगर मान लो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, तो क्या बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं होमो। होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जो ये वेकेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमो। ये क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब होता है जनरली क्या होता है, जो होमो होगा यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे ल्यूमो में, यही होगा। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे कहाँ पे जाएंगे, अगर उनको हम एनर्जी देंगे तो उनको जाना तो है कहीं ना कहीं, ऊपर वाले लेवल पे जाना है, और ऊपर वाला लेवल कौन सा होता है, जनरली जो हमारा ल्यूमो होता है। तो ये जैसे हम एलिमेंट के केस में बात कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम कोई मॉलिक्यूल भी कंसीडर कर लें, जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड कंसीडर कर लें, तो उसमें भी क्या होता है, यही वाले लेवल्स हमारे पास होते हैं। बस डिफरेंस ये आता है कि वहां पर हम कैसे बात करते हैं, सिग्मा पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार एन, वहां पर इन सब की बात होती है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते थे, 2PZ 2PY करके करते थे, फिर 2S का बनाते थे, उस तरह से हमें एमओ डायग्राम नहीं बनाना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको इनकी बात करते हैं, सिग्मा बोन्ड पाई बोन्ड पाई बोन्ड, उसके बाद सिग्मा सिग्मा स्टार पाई स्टार, एंड क्या है, नॉन बोन्डिंग। तो नॉन बोन्डिंग का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारे जो भी कंपाउंड्स है, जैसे कि हेलोजन हो गए या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए, सबके पास क्या होता है, ऑक्सीजन हो गया, हेटेरो एटम हो गया, सबके पास क्या है, लोन पेयर्स, और वो लोन पेयर्स क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उनका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हम किसको स्टडी करेंगे, जब हमें ट्रांजिशंस देखने होते हैं तो हम जनरली इनके बारे में बातें करते हैं, इन चीजों को कंसिडर करके हमें ट्रांजिशन देखते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो किस तरह से आएगा। तो ये तो हमारा इतना हुआ, अब भी देखते हैं कि किस तरह से होता है। अगर आप इसको एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना चाहोगे, सिग्मा और ये सब जो है, तो आपको पता है, मैं कोई भी ना यहाँ पे कंपाउंड लिख रही हूँ, लेट्स से मैंने ये लिख दिया, ये कोई भी मैंने एक आपके सामने ये लिख दिया कंपाउंड। अब ये क्या होता है, इससे आपको क्या दिख रहा है, एक मुझे दिख रही है सिग्मा बोन्ड्स यहाँ पर, तो ये H2 मैंने लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना। तो ये क्या है, सिग्मा बोन्ड, ये भी सिग्मा, तो हमें क्या दिख रहे हैं, जो सिग्मा बोन्ड्स दिख रहे हैं, सिग्मा का मतलब क्या, जो भी सिंगल बोन्ड सारे क्या है, सिग्मा बोन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहे हैं, सिग्मा बोन्ड, है ना, और ये क्या है, पाई बोन्ड, ये भी क्या है, पाई बोन्ड। तो मुझे सिग्मा दिख गया, पाई दिख गया, है ना। उसके बाद क्या है, लोन पेयर्स यहाँ पर, तो हमारे पास इसमें क्या है, लोन पेयर्स को क्या मतलब, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास इस वाले में क्या दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, पाई और नॉन बॉन्डिंग। अब क्या होता है, जैसे हम एमओ डायग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे अगर जैसे सपोज करो ये हमारे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, बॉन्डिंग, और यहाँ पर क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। ऐसे होता है, तो यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं खुद को समझाने के लिए, वो ये कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये जैसे ही कंबाइन करेंगे तो ये क्या करते हैं, जब हाइब्रिड, जब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो क्या होता है, वो दोनों कंबाइन करके एक ऐसा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है, इन दोनों से कम होती है। यही होती है हाइब्रिडाइजेशन में, कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं अलग अलग एटम्स के, वो कंबाइन करके एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं जिसमें इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और क्या होगा, उसकी एनर्जी जो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम होगी। अब हम एक ये भी करते हैं कि एनर्जी जितनी ज्यादा डिक्रीज करेगी उतनी ही फिर इंक्रीज भी करेगी एंटीबॉन्डिंग की, ऐसे ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जितनी एनर्जी डिक्रीज करती है ऑलमोस्ट उसी अमाउंट में, रफली उसी अमाउंट में क्या होता है, इंक्रीज भी कर जाती है। यही आपने देखा है, इसको मिस दिखाते हैं, ये है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी, अब जो हमारी बॉन्डिंग वाली है वो इससे कम है, एंटीबॉन्डिंग वाली इससे ज्यादा है। तो हर जगह पे जहां पे भी बॉन्डिंग होगी वहां पर एंटीबॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स भी होंगे, क्योंकि एनर्जी जितनी कम होगी उतनी बढ़ेगी भी एंटीबॉन्डिंग के केस में। तो ऐसे ही यहाँ पे जब सिग्मा है तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा स्टार भी होगा, अगर सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होगा,
और जब ये पाई बोन बना है तो पाई का जब बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल हमारे पास है तो एंटी बॉन्डिंग वाला भी होगा, तो इसलिए यहाँ पे पाई के साथ क्या होगा, पाई स्टार। और ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं बना है। जैसे यहाँ पे सपोज करो अगर हम एमओ डायग्राम देखते तो क्या करते हैं, बॉन्डिंग को नीचे लिखते हैं, एंटी बॉन्डिंग को ऊपर लिखते हैं, लेकिन जो लोन पेयर्स होते हैं उनको यहाँ पे दिखा देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, उसकी एनर्जी जितनी थी उतनी की उतनी ही है, ना तो वो डिक्रीज करी है, मतलब ना तो वो बॉन्डिंग में गए हैं और ना ही उनका कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल है। तो इनकी एनर्जी कितनी होती है, जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, ना तो इसके पास बॉन्डिंग है ना ही एंटी बॉन्डिंग है, तो ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग। इतना समझ में आया। अब हमारे पास क्या है, अगर हम इस कंपाउंड की ही बात करें तो हमारे पास सिग्मा ऑर्बिटल है, पाई है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार और एन है। अब इनके मुझे करनी है एनर्जी, एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो हमें ये पता है ये दोनों क्या है, एंटी बॉन्डिंग, तो इनकी एनर्जी तो डेफिनेटली इन सबसे ज्यादा होने वाली है ना। और सबसे कम किसकी होने वाली है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इन दोनों में से देखते हैं। ये दोनों बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है, तो ये तो सेंटर में है। नॉन बॉन्डिंग का हमें कुछ नहीं करना, सबसे सेंटर में है, हमने पता लगा लिया कि नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ना तो इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है, उतनी रहती है। तो ये तो हो गया। अब ये दोनों बॉन्डिंग वाले हैं, तो आप मुझे बताओ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है या फिर पाई बॉन्ड। सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि क्या होता है, जो ओवरलैप होता है सिग्मा बॉन्ड में वो क्या होता है, एक हम बात करते हैं साइड ओवरलैप, एक होता है लेटरल ओवरलैप। तो जैसे सिग्मा की बात कर रहे हैं, जो पी ऑर्बिटल से अगर सिग्मा बना तो कैसे बनेगा, ऐसे कर, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बट पाई कैसे बनता है, पाई बॉन्ड ऐसे बनता है। तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ इंटरेक्शन क्या है, सिर्फ ये वाला पोर्शन इंटरेक्ट हुआ है और ये वाला, ये कैसा है, ये पाई बॉन्ड है और ये कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। और अगर ऐसे ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो इस तरह से होता है, हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो इसी वजह से क्या होता है, ये तो हमारा क्या है, साइड ओवरलैप, बहुत ही कम ओवरलैप हो पाता है। इसलिए जो पाई ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो होती है हमेशा, मतलब वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है सिग्मा बॉन्ड से। तो सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज करी होगी, तो सबसे कम एनर्जी हमारी होती है सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितना नीचे जाएगा एनर्जी उतना ही इवन उसका एंटी बॉन्डिंग जो होता है ऊपर भी जाएगा। तो जब सिग्मा नीचे जा रहा है सबसे, तो सिग्मा स्टार भी सबसे ऊपर चला गया है ना, फिर क्या होगी, पाई यहां पर आएगा, ये पाई है, फिर क्या होगा, पाई स्टार बन गए लेवल्स। तो ये हमारे लेवल्स हमने डिसाइड कर लिए कि नॉन बॉन्डिंग एनर्जी तो वैसे की वैसी है, ये दोनों बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, जितना नीचे जाता है जनरली उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही ऊपर जाता है एनर्जी में। तो ये करके हमने बना लिया। अब इस वाले कंपाउंड के लिए हमारे पास ये है एनर्जी लेवल्स, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें। इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे देखेंगे, कोई भी सिग्मा बॉन्ड है तो हमने क्या किया, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स दो यहाँ पे फिल कर दिए, ठीक है। और ये सबके लिए अलग अलग होगा, सिग्मा बॉन्डिंग का मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन सबके लिए अलग अलग लेवल्स हमने बना दिए। सिग्मा में हम दो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, पाई हम मान लो किसकी बात कर रहे हैं इस वाले की, तो मैंने क्या किया, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल कर दिए, क्योंकि जो ये पाई बॉन्ड है इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑक्सीजन से आया है एक कार्बन से आया है, पाई बॉन्ड बन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर लगा दिए। और जिसका लोन पेयर है मान लो एक मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, जिसका पाई स्टार है और सिग्मा स्टार वो क्या है, वेकेंट है, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि अगर इनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो फिर बहुत टूटेगा। जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ ऑर्गेनिक में कि अगर मान लो मेरे पास OH बॉन्ड है कोई भी, अगर मैं कुछ भी करके इस वाले मतलब इसका जो ये वाला सिग्मा बॉन्ड है मेरा, अगर कि इसमें इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल देती हूँ तो क्या होगा, इसके जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप बॉन्ड ऑर्डर में निकालते हो तो क्या करते हो, हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, यही करते हो। और अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होंगे, तो क्या होगा, बी माइनस बी का देगा जीरो। अगर यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, टू माइनस टू डिवाइड बाई टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ओवरऑल कोई भी बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हुआ है। तो इसी वजह से हमारे पास बॉन्ड तो है, इसलिए दोनों क्या है, खाली नहीं है यहाँ पर। तो अभी हमारा अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, एक तो हो सकता है कि जो ये वाले हैं नॉन बॉन्डिंग वाले, इनकी ट्रांजिशन हो सकती है, मतलब ये कहाँ जा सकते हैं। अब ना एक और बात होती है कि जो ये सिस्टम है क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे, मतलब अगर इस वाले लेवल से मुझे यहाँ तक जाना है तो इन लेवल के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। ये मतलब ये जो वैल्यू होगी, सपोज करो मैंने एक्स लिख दिया, एक्स से समझ नहीं आया तो फाइव ले लेते हैं, ठीक है, यूनिट कुछ भी हो, फाइव यूनिट का जो गैप है वो फाइव है, सपोज कर लेते हैं यहां तक का जो है वो टेन है। अब अगर आप इस वाले इलेक्ट्रॉन को इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो, फाइव के यूनिट्स में एनर्जी देते हो, तो ये ट्रांजिशन होगी। अगर सिक्स देते हो तो कुछ नहीं होगा,
अगर मैं इनको इन बिटवीन एनर्जी देती हूँ, मतलब अगर मैंने 8 यूनिट्स एनर्जी दे दी, तो 8 यूनिट्स क्या है, इनके बीच में कहीं पर है, तो कोई भी ट्रांजिशन आपको नहीं दिखेगी। क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो दोनों लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, जहां से हम इलेक्ट्रॉन को जहां पे भेजना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना है, उतनी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ही वो ट्रांजिशन होगी, अदरवाइज नहीं। तो अगर 5 मिलेगी तो इस वाले लेवल पे जाएगा, 10 मिलेगी तो इस वाले लेवल पे जाएगा, उसके बीच में जो भी एनर्जी मिलेगी 6, 7, 8, 2, 3, 4, उसमें कोई भी ट्रांजिशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन की बात हुई। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक जाना है, मतलब अगर मुझे ट्रांजिशन करवानी है एन टू पाई स्टार, तो मुझे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। अभी क्या है, हम एनर्जी को कंट्रोल तो कर सकते हैं इतनी हमें देनी है, लेकिन अभी ये हो सकता है कि आपने मतलब एनर्जी प्रोवाइड करी, तो हो सकता है वो एनर्जी इन दोनों लेवल्स के बीच के डिफरेंस के इक्वल हो सकता है वो 5 के अराउंड हो, तो क्या होगा, ट्रांजिशन यहां पर हो गया हो। ठीक है, अगर हो सकता है 10 के अराउंड है, तो 10 वाले में ये वाला ट्रांजिशन हो गया। अगर आपने मान लो 6 दे दिया, 6 अमाउंट मतलब 6 यूनिट्स, किसी भी यूनिट में हो सकते हैं, किलो जूल है किसी में भी, अगर आपने उसको 6 यूनिट एनर्जी दी है, तो 5 यूनिट उसके ट्रांजिशन यहां तक कंज्यूम हो जाएगी। 2, 3, 4, 1, 2 में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, 5 पे यहां आएगा, 6 वाले केस में भी यहां तक तो पहुंच जाएगा, कुछ एनर्जी को क्या करेगा, फिर वो एमिट करेगा। तो इस तरह से होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ट्रांजिशन करवाना है, तो ये नॉन बॉन्डिंग से इतनी एनर्जी मिले तो पाई स्टार में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसे ज्यादा मिलेगी 10 तक मिलेगी तो सिग्मा स्टार में भी जा सकता है। तो अभी कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, हमें वो देखने हैं। देखो, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो हम तो सारे ट्रांजिशन दिखेंगे, अगर हम एक कोई कंपाउंड भी कंसीडर कर रहे हैं तो हमें उसमें बहुत सारे ट्रांजिशन दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं। जैसे यहां मैं क्या कर सकती हूँ, नॉन बॉन्डिंग से यहां तक लेके जा सकती हूँ, तो एक ट्रांजिशन में कहां से कहां तक, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, ये ट्रांजिशन हो गया। फिर क्या हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में हो सकता है जाए इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, या फिर बॉन्डिंग से मैं क्या कर सकती हूँ, यहां भेज सकती हूँ, फिर क्या हो गया, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सबसे ज्यादा एनर्जी का ट्रांजिशन है, क्योंकि आप देख रहे हो सबसे ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के एनर्जी लेवल्स में, या ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार। ठीक है, तो ये वाले ट्रांजिशन है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है। अब आप मुझे बोल सकते हो कि मैम हो सकता है कि पाई से नॉन बॉन्डिंग में चला जाए, तो उसको तो काइंड ऑफ क्या करते हैं, बॉन्डिंग ही कंसिडर करते हैं। अब ये बोल सकते हो आप कि मैम पाई से सिग्मा स्टार में भी तो जा सकता है, पाई से सिग्मा स्टार में भी तो जा सकता है ना, ये वाली पॉसिबिलिटी है, इन दोनों ने बॉन्डिंग मान लिया कि ट्रांजिशन या तो यहां से होंगे, या फिर यहां से, या फिर यहां से, तो सारी चीजें तो बाकी हमने कंसिडर कर ली, इसके दोनों कंसिडर कर लिए। अब ये भी बोल सकते हो कि मैम हो सकता है सिग्मा से पाई स्टार में चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, पाई से सिग्मा स्टार, ऐसे ही एन से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार, इसके सीजन ने कंसिडर कर लिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये सारे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होते हैं, इनके लिए कुछ हमारे पास होते हैं सिलेक्शन रूल्स, कौन सी ट्रांजिशन अलाउड होगी, कौन सी फॉरबिडन होगी, इंटेंसिटी किस तरह से आएगी, वो हम क्या करते हैं, सिलेक्शन रूल से निकालते हैं। तो सबसे पहला तो सिलेक्शन रूल ये है, जो फर्स्ट सिलेक्शन रूल है वो ये है कि जो स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब स्पिन जो है वो चेंज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पे ट्रांजिशन करा के ऊपर भेजना है, तो ये ऐसे ही रहना चाहिए। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर ये ऐसे है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे है, तो ट्रांजिशन के बाद भी वो ऐसे ही रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसको हम जनरली कंसिडर करते हैं प्लस हाफ, और जो ये वाला इसको क्या कंसिडर करते हैं, स्पिन कितनी है, माइनस हाफ, ऐसे ही करते हैं। तो माइनस हाफ ट्रांजिशन के बाद भी कितनी रहनी चाहिए, माइनस हाफ, तो ही वो ट्रांजिशन अलाउड होगी, अदरवाइज नहीं। यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा एस जो है वो 0 होना चाहिए, प्लस हाफ से क्या हुआ, प्लस हाफ। तो जब 0 कब होगा, यहां से यहां गया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, हाफ, इनिशियल भी क्या थी, हाफ, तो हाफ माइनस हाफ क्या हो गया, 0। मतलब स्पिन चेंज नहीं करनी चाहिए, वही सेम वैल्यू रहनी चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसी ट्रांजिशन है जिसमें ये क्या कर गया है, चेंज होके इस तरह का हो गया, मतलब जो पहले प्लस हाफ स्पिन थी, अब वो कितनी हो गई है, माइनस हाफ। तो इस वाले केस में अगर हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है, माइनस हाफ, इनिशियल कितना है, ये फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है, हाफ, तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस 1, और ये होना कितना चाहिए था, 0। तो जिन वाले केसेस में हमारे पास स्पिन चेंज नहीं करती है, अगर पहले प्लस हाफ है तो बाद में प्लस हाफ ही रहनी चाहिए,
तो जिनमें स्पिन चेंज नहीं करेगी वो वाले ट्रांजिशन जो होते हैं वो अलाउड होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद जो सेकेंड आता है सिलेक्शन रूल, वो हमारा होता है सिमेट्री के बेसिस पर। उसमें हम सिमेट्री डिसाइड करते हैं। अब वैसे तो आपको ये पता होगा, जिसे हम बात करते हैं जीरेट या फिर अनजीरेट की, उन वाले केस में क्या होता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि आपको समझ में आए जो मैं बता रही हूँ आपको, और आप चीजें रिलेट कर पाओ। ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ोगे पूरे 50 पेज की, ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है, बस कंसेप्ट समझो। अभी देखो, एक होता है जीरेट, एक होता है अनजीरेट, जीरेट और अनजीरेट। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से। ये वाली टर्म्स आपने कहां देखी होंगी, जब मैंने आपको टर्म सिंबल लिखवाना सिखाया था डायटोमिक केस में भी, वैसे भी तो वहां पे ये वाली टर्म्स मैं यूज करती थी, तो आपको वो आनी चाहिए, टर्म सिंबल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जीरेट का मतलब क्या है, अनजीरेट का मतलब क्या है। तो अगर किसी ऑर्बिट को हम बोल रहे कि उसकी जो सिमेट्री है वो जीरेट है, जीरेट सिमेट्री में आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ गए, इन्वर्जन सेंटर जो ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था बिल्कुल वही यहाँ पे कहना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, इस वाले केस में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। एग्जाम्पल कैसे करेंगे, सपोज करो हमारे पास क्या है, एस ऑर्बिटल, हमारे पास है एस ऑर्बिटल। ऐसा आपने देखा होगा कैसा होता है, स्फेरिकल, ऐसा लगा देते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, क्या है हमारा, एस ऑर्बिटल। और अगर हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की, इस तरह का होता है प्लस माइनस। अभी आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो यहाँ पे तो क्या होता है, इसमें तो हर जगह पे प्लस प्लस ही है, तो आप जहां से जैसे मर्जी मूव कर लो आपको हर जगह प्लस ही दिखेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल जो है सिमेट्री क्या है, जीरे। और यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको सेंटर मान लेते हैं, मैंने ड्रॉ बहुत ही गलत तरीके से किया है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है, ये प्लस ये माइनस, इसको हटा दो, ये ठीक है। तो अगर इसको मैं सेंटर मान लूं, यहां से मैं मूव कर तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस, और यहां से अगर मैं मूव कर तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस। तो मैंने आपको क्या बताया, सेंटर ऑफ सिमेट्री में जितना आप जहां से भी मूव करो जिस भी डायरेक्शन में, आगे जाके आपको जो मिला है उसी डायरेक्शन में बैक साइड जाने आपको वही मिलना चाहिए। तो यहां से जो प्लस मिल गया, यहां से माइनस मिल गया, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये क्या होता है हमारे पास, अनजीरे। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। अभी मैं बात करूं डी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा किस तरह की शेप होती है, ये हमारे पास क्या है, डी ऑर्बिटल्स। इनमें किस तरह से होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, कोई भी डी ऑर्बिटल आप कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये सेंटर कंसीडर कर लू और यहां से मूव करना शुरू करूं तो क्या आएगा, माइनस, यहां से स्टार्ट करूं तो क्या आएगा, माइनस। ऐसे यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस, और यहां पर आ रहा है प्लस, मतलब हमारे पास दोनों डायरेक्शन में मूव करने से क्या हो रहा है, सेम चीजें हमें मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, तो इसकी सिमेट्री क्या है, जीरे। समझ आ गया, तो इस तरह से हम करते हैं। या फिर आपको बार बार ये ड्रॉ करने की नीड नहीं होती है, ये हमेशा ऑल्टरनेट चलता है। ऑल्टरनेट कैसे, जैसे जो हमारा एस है, एस पी डी एफ, ये वाले ऑर्बिटल्स हैं, तो ऐसा हमेशा क्या होता है, जीरेट अनजीरेट जीरेट, ऐसे जी यू जी यू, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। ये सारे तो ऑर्बिटल्स हो गए, हमने अभी कैसे बात करी है, अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, एक एक ऑर्बिटल की आपके सामने बात कर रही हूँ। अभी मुझे क्या करना है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो तो कंबाइन होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा, कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है सिमेट्री बॉन्डिंग की भी और एंटी बॉन्डिंग की। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास क्या है, देखो आपको पी से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, एक ही ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, एक है ये प्लस और माइनस। मुझे ना वैसे ये सब बताने की नीड नहीं, मैं आपको डायरेक्टली करवा सकती हूँ कि कौन सा वाला ट्रांजिशन होगा कौन सा नहीं, लेकिन कंसेप्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप भूलो ना कभी भी। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको रट्टा में लगाना पड़े इन चीजों का, आपको समझ में भी आए। और जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो मुझे भी हेल्प होगी, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि मैंने वहां पर समझाया था। ठीक है, तो अभी करते हैं। जैसे ये वाली दो ऑर्बिटल्स हैं, तो मुझे एक बात बताओ, इनमें बॉन्डिंग हो सकती है क्या, हो सकती है, कैसे होगी, जब सेम साइन वाले एक साथ होते हैं वहां पे क्या होती है, बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। तो ये वाले जो क्या कहेंगे, आपस में बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस,
तो ये क्या है, प्लस माइनस से बोन नहीं बनाता है। जैसे मैं आपको पहले साइड में दिखाया ओबलस का ओवरलैप कैसे होता है, जब सेम साइन वाले क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं तभी बोन बनता है। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग नहीं होगी अगर इस तरह से है, तो ये क्या है एंटी बॉन्डिंग। पी वाले क्या होते हैं, मतलब इसको मैं पाई बॉन्ड, अगर ये बनाएंगे दो पी ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं, हम क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो ये हमारा क्या है पाई, और ये क्या है दोनों पी ऑर्बिटल्स तो है लेकिन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, और अगर बॉन्ड नहीं बना रहे तो क्या होंगे पाई स्टार। ये है हमारे पास पाई स्टार। अभी हमें क्या चेक करना है, इसमें इसकी सिमिट्री चेक करनी है, जी रेड है या फिर अनजी रेड है। कैसे करेंगे, ऐसे हमें दिया हुआ है, हमने ये सेंटर मान लिया, यहां से मुझे क्या करना है यहां से मूव करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्या मिला मुझे प्लस, यहाँ मिल गया माइनस, बस दोनों सेम नहीं मिले, मैं बाकी चेक ही नहीं करूंगी। या फिर आप करना है कर लो, इधर मिला मुझे प्लस, यहाँ पर मिला माइनस, तो सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या है इसकी सिमिट्री क्या होगी यू, मतलब अनजी रेड। और इसकी हम देखते हैं क्या होगा, ये सेंटर मान लिया, यहां से माइनस, यहां से भी माइनस, यहां से प्लस, यहां से भी प्लस, तो क्या है सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, मतलब इसकी सिमिट्री क्या है जी रेड। समझ में आ गया कि जो पाई स्टार होता है उसकी सिमिट्री होती है हमारे पास जी रेड, जो पाई स्टार है इसकी सिमिट्री क्या है जी, और जो पाई है उसकी क्या है यू। ठीक है इतना। ऐसे ये जो हमारे पास अगर हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा में जो भी ओवरलैप होगा, जैसे अगर आप पी ऑर्बिटल से बनवा रहे हो, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है माइनस, ये है प्लस, इन दोनों को कंबाइन करवा दो, कैसे बनेगा ये इस तरह से, जो ये प्लस प्लस वाले हैं यहाँ पे हो गए, और ये माइनस माइनस ने बोन बना लिया, ये पूरा ओवरऑल हो गया माइनस। तो इसको अगर मैं सेंटर मान लूंगी तो यहाँ पे तो माइनस ही है, यहाँ से मुझे प्लस मिल रहा है, यहाँ से प्लस मिल रहा है, तो ये बॉन्डिंग वाला है सिग्मा के केस में। तो जो सिग्मा बॉन्डिंग होता है वो होता है हमारे पास जी रेड, और जो नॉन बॉन्डिंग मतलब एंटी बॉन्डिंग जो होगा वो कैसे होगा, इसको प्लस कर दो और इसको कर दो माइनस। अच्छा मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब आपको पढ़ा रही हूँ तो साथ साथ ना नोट्स बनाने पर ध्यान मत दो, एक बार सुन लो पूरी बात, उसके बाद नोट्स तो आप खुद से भी बना लोगे, एक बार वापस से देख लेना वीडियो को, जैसे आपको ठीक लगे। तो इसी तरह से देखो, अब ये क्या है प्लस, अगर मुझे इसका बॉन्ड बनाना है तो ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, इधर माइनस है इधर प्लस है, बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो ये क्या है, ये है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग। जो हमने सिग्मा बॉन्ड कंसीडर किया था उसी का एंटी बॉन्डिंग ये होगा। अब अगर मुझे इसका देखना है तो यहां से मुझे मिल रहा है माइनस, यहां से मिल रहा है प्लस, तो यहाँ पे क्या है आई प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होगा अनजी। ठीक है, तो सिग्मा जो है वो जी और यहाँ पर क्या है यू। इतना समझ में आ गया, इस तरह से हमने देखे हैं। और आपको पता होगा इसका हम जी और यू नहीं निकाल सकते, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। अब भी आपको पता होगा कि जो हमने पढ़ा भी है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, जो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, या फिर मैंने आपको टर्म सिंबल के टाइम भी बताया है, उसमें क्या होता है डेल्टा एल जो होता है वो प्लस माइनस वन होना चाहिए, लेकिन डेल्टा एल तो हम तो निकालेंगे कि हमारे पास ऑर्बिटल्स की वैल्यू गिवन हो, है ना, हमारे पास एसपीडीएफ हमें कुछ पता हो वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे पास क्या है जी और यू वाला अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन जब भी होगा जब या तो जी से यू जाए या फिर यू से जी वाला भी पॉसिबल होता है, मतलब अगर सेम वाला ट्रांजिशन है ना ये दोनों पॉसिबल है, लेकिन अगर जी से जी जा रहा है ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, यू से यू वाला भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है सिलेक्शन रूल होता है, जिसमें सेम में ट्रांजिशन नहीं होता है, डिफरेंट में हमेशा ट्रांजिशन होता है, जी से यू भी अलाउड है, यू से जी भी अलाउड है। अभी ठीक आया समझ में, अब हमें देखना है इनसे कौन से अलाउड है कौन से अलाउड नहीं है। तो इन दोनों को देखो, ये तो ट्रांजिशन हो सकते हैं, यहाँ पे सिमेट्री का इश्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी सिमेट्री नहीं है, तो ये और ये ट्रांजिशन तो दोनों पॉसिबल है। इनमें से हमें देखना है कौन सा अलाउड है कौन सा अलाउड नहीं है। सिग्मा का हमने क्या निकाला है जी, मैं क्या लिखती हूँ, सिग्मा स्टार का क्या है सिमेट्री यू, पाई की क्या है यू और इसकी है जी, ऐसे ही पाई की यू, पाई स्टार की जी, पाई की यू, सिग्मा स्टार की भी यू, और सिग्मा की कितनी है जी और पाई स्टार की जी। अब आप मुझे खुद ही बता दो कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है कौन सा फॉरबिडन है, आप खुद से देख सकते हो, बहुत इजी है। जो मैंने आपको रूल्स बताया है वो देख लो, जी से यू वाला अलाउड होता है या फिर यू से जी अलाउड है, सेम ही नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे जी से यू है तो जाएगा ये वाला ट्रांजिशन, यू से जी ये भी अलाउड है, लेकिन यू टू यू अलाउड नहीं है, जी टू जी भी अलाउड नहीं है। समझ आ गया, अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलते आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ा ताकि आप ये अच्छे से निकाल पाओ। समझ आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए।
तो अब ये वाले ट्रांजिशन की बात मैं नहीं करूंगी, मतलब जो पाई से सिग्मा स्टार वाला ट्रांजिशन है उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो होता ही नहीं है, सिमेट्री अलाउड नहीं है। ऐसे ही सिग्मा से पाई स्टार भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को यहाँ से हटा देती हूँ, ये दोनों हमारे काम के नहीं, ये सब भी हटा देते हैं, सिर्फ समझने के लिए लिखा था हमने, ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास चार ट्रांजिशन है, और अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिकली, अगर बात कर रहे हैं तो ये दोनों को क्या है, सिमेट्रिकली अलाउड। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकली फोबिडन, क्योंकि यहां पे सिमेट्रीज की हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकली फोबिडन होते हैं। अब इनमें डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस आएगा, अब इस चीज से क्या फर्क पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये फोरबिडन है तो ये ट्रांजिशन होंगे ही नहीं, ये ट्रांजिशन होते हैं, और ये वाला तो बहुत ज्यादा कॉमन है, एन टू पाई स्टार ये वाला ट्रांजिशन होता है, लेकिन इनके सिमेट्रिकली अलाउड और फोरबिडन होने से डिफरेंस कहां पर आएगा, हमें उससे क्या मतलब है इनके फोरबिडन और अलाउड होने से, वो ये है कि क्योंकि ये सिमेट्रिकली अलाउड है तो इनकी इंटेंसिटी जो होगी, जो हमारे पास पीक आएगी या जो बैंड आएगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई इंटेंसिटी, इनमें क्या होगा, हाई इंटेंसिटी। और जो ये फोरबिडन वाले हैं, अगर ये वाला ट्रांजिशन होता भी है तो वो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी हमेशा ही क्या होगी, कम होगी, लो इंटेंसिटी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम जितना भी पढ़ेंगे आगे, तो मैं सिर्फ इन्हीं ट्रांजिशन की बात करूंगी, और आपको ये समझ जाना है कि जहां पर भी ये वाली ट्रांजिशन हो रही है, एन टू पाई स्टार या फिर एन टू सिग्मा स्टार, वो क्या है, सिमेट्रिकली फोरबिडन है, इसीलिए उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इतना समझ में आ गया। अभी हमें देखना है कि जो ये ट्रांजिशन हो रहे हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कौन से वाले ट्रांजिशन के लिए चाहिए, तो वो आपको वैसे दी जाएगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार का गैप सबसे ज्यादा है, इसीलिए जो ये वाला ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये क्या है, एनर्जी ऑर्डर। जो ये वाली ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार वाली, आपको भी दिख रहा है एनर्जी के बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस वाले ट्रांजिशन को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ये तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये आपको हमेशा निकाल लोगे आप करने के बाद। अभी क्या है, उसके बाद कौन से बचे, ये हो गया, ये तीन बचे हुए हैं। अभी हमें क्या करना है, उसके बाद आपको ध्यान ऐसे रखना है, सबसे ज्यादा गलती होती है यहाँ पर, नेक्स्ट जो आता है वो एन टू सिग्मा स्टार आता है, एन टू सिग्मा स्टार, मतलब यहां से लेकिन यहां तक का जो ये गैप है, इसके बाद सेकेंड नंबर पर होता है। ठीक है, तो ये है, उसके बाद क्या होता है आपका पाई टू पाई स्टार, तो सबसे लास्ट में आपका सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है इस वाले ट्रांजिशन को, एन टू पाई स्टार। अभी पता है गलतियों के चांसेस कहां पर होते हैं, ये वाला हमें दिख रहा है इसका सबसे ज्यादा गैप है, और ये भी हमें दिख रहा है सबसे कम गैप है ना, तो ये हमें सबसे आगे लिख दिया, ये सबसे पीछे लिख दिया, प्रॉब्लम कहां पर है, इन दोनों में, क्योंकि देखो जब पाई से पाई स्टार कर रहे हैं तो भी बीच में इतना गैप होता है, हमें दिखता है कि सिर्फ एक लेवल बीच में आ रहा है, और उसके बाद हम करते हैं एन टू सिग्मा स्टार, तो एन टू सिग्मा स्टार में भी क्या है, एक लेवल बीच में आ रहा है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट हमें सेम से दिखते हैं डायग्राम से, इतना स्पेस इसमें है, उतना ही स्पेस इसमें है, मतलब एक ये वाला स्पेस है, ये वाला है और एक ये वाला है, तो डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला गैप जो है, ये वाली जो ट्रांजिशन है, इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है कंपेरिजन टू दिस वन। याद कैसे करोगे, याद मैंने जैसे कि आपको बताती हूँ, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये तो आपको पता है ना, तो जब यहाँ पे सिग्मा स्टार आया तो यहाँ पे भी सिग्मा स्टार आया, मतलब जो पहले सिग्मा स्टार वाले ट्रांजिशन है पहले उनको निपटा लो, बाद में पाई स्टार वाले लिखो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहां से हमारा हो गया, जितनी भी सारी ट्रांजिशन है इनके लिए क्या चाहिए, वेवलेंथ कितनी होती है, 200 to 400 नैनोमीटर। और जब आपको वेवलेंथ पता है तो आप एनर्जी निकाल सकते हो बहुत ही इजीली। कैसे निकलेगी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, ये हमारे पास एनर्जी है, न्यू क्या होता है, सी ओवर लैम्डा। तो यहां से हमारे पास एनर्जी, अगर हमें वेवलेंथ पता है तो सी तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, तो इनकी वैल्यूज आप रख के एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी या फिर वेवलेंथ को मतलब रैंडमली यूज करते हैं आप, इनको इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो। बाद का सिर्फ मतलब ये होता है कि अगर आपके पास वेवलेंथ है तो आप एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो,
तो सिर्फ इसी फॉर्मुले से आपको देखना है और ध्यान ये रखना है एनर्जी का और वेवलेंथ का क्या है इनवर्स रिलेशनशिप। जिसकी वेवलेंथ जिस भी ट्रांजिशन की वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये वाला ऑर्डर मैंने आपको किसका दिया है एनर्जी का, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी सबसे कम होगी। तो आपको अगर वेवलेंथ का ऑर्डर निकालना हो वेवलेंथ का ऑर्डर तो ये साइन चेंज कर देना ऐसे करके, इसकी एनर्जी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। इस तरह से हम देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है 200 तो ठीक है 200 से 400 हमारा क्या है यूवी वाला रीजन है, लेकिन लेस देन 200 जो होता है अगर 200 नैनोमीटर से कम है वेवलेंथ तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये साइन किसका है लेस देन 200 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैक्यूम यूवी। रीजन आप साथ ऐसा क्यों होता है जैसे ही वेवलेंथ जो है अगर हम उसको 200 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ देंगे ट्रांजिशन के लिए लेस देन 200 दोगे तो क्या होता है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो भी एब्जॉर्ब करने लगता है रेडिएशंस को। और ये कहां से आता है अगर आप नॉर्मल लैब में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या होगा आपके हमारे पास क्या है एयर तो है ही हमारे आसपास, एयर में क्या होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इसके पास भी क्या है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके पास क्या है नॉनमोनिक भी है साई भी है साई स्टार भी है सिग्मा भी है सिग्मा स्टार सब कुछ है। तो क्या होता है अगर लेस देन क्योंकि देखो वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है तो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी रेडिएशन की, तो उस वाले केस में क्या होता है ये भी एब्जॉर्ब करने लगता है और फिर जो हमारा स्पेक्ट्रा जो आएगा उसमें फिर हमें ऑक्सीजन का भी दिखने लगेगा। इसी वजह से जो होता है लेस देन जब भी हमें चाहिए होती है 200 नैनोमीटर तो हम क्या करते हैं वहां पे करते हैं कि वैक्यूम हो हमारे आसपास मतलब एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए इसलिए उसको हम बोलते हैं वैक्यूम यूवी। और इसके लिए हमें अलग से स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जनरली हम वैसे जो नॉर्मल हमारा होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर हमें इससे कम की रेडिएशन चाहिए होती है तो हम नॉर्मल वाला यूज नहीं कर सकते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं क्योंकि हमें क्या करना है एयर को हटाना है आसपास से, वैक्यूम में करना है एक्सपेरिमेंट इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं वैक्यूम यूवी। तो अभी हम बाकी डिटेल्स पे जाएंगे ट्रांजिशन किस तरह से होती है N2 पाई स्टार वाली कौन सी होती है कौन से मॉलिक्यूल्स में किस तरह की ट्रांजिशन होती है। उससे पहले एक बार देख लेते जो स्पेक्ट्रा आता है वो किसके अगेंस्ट हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जनरली क्या होता है एब्जॉर्बेंस, यहाँ पर हम लेते हैं एब्जॉर्बेंस और यहाँ पर लेते हैं वेवलेंथ, ठीक है वेवलेंथ और ये है एब्जॉर्बेंस। अब जो ग्राफ होता है जैसे आपने देखा होगा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि जो NMR है या जो बाकी जितने भी हमने पढ़े हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर है वैसे उनमें क्या होता है जो पीक्स आते हैं वो बहुत ही शार्प होती है, एक ट्रांजिशन हो गया एक पीक आ गई दूसरी ट्रांजिशन दूसरी पीक इस तरह से होती है, इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। बट यहाँ पर क्या होता है चाहे हम अभी तक बात एक ही ट्रांजिशन करते आए हैं लेकिन जो ग्राफ होता है वो आपको कुछ इस तरह का ऐसे ऐसे कुछ देखने को मिलता है इस तरह का, ऐसे पीक तो बहुत ही रेयरली आपको मिलेगी। तो इस तरह कुछ क्या होता है ब्रॉड बैंड आपको देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में या फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास क्या होता है ब्रॉड बैंड्स इस तरह के आते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक तो देखो ये वाला ग्राफ बनाते हैं एब्जॉर्बेंस के साथ वेवलेंथ का, या फिर ये बनाने के बाद जो हमारा ग्राफ होता है वो ऐसे आता है उसके बाद एक और ग्राफ दोबारा से फ्लोट करते हैं वो क्या होता है लॉग एप्सिलॉन वर्सेस सिग्मा, इसका नेचर इसका भी ऐसा ही होता है ऐसे कुछ मिलता है ग्राफ में देखने को ऐसी ही पीक्स आती है बट इसके अगेंस्ट भी फ्लोट करते हैं। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है वो हम कैसे देखेंगे, आपने पढ़ा होगा फिजिकल में फोटोकेमिस्ट्री में बियर्स लॉ या फिर बियर लैम्बर्ट लॉ, उसमें क्या होता है एप्सिलॉन सॉरी जो एब्जॉर्बेंस होती है वो किसके इक्वल होती है एप्सिलॉन इनटू सी इनटू एल, ये क्या है ये होते हैं हमारे पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। देखिए मैं सही मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और ये क्या होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, इसी के दो नाम होते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, इसको बोलते क्या है एप्सिलॉन। अब ये यहाँ पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं क्यों आपको ये बोल रही हूँ क्योंकि हमें न्यूमेरिकल तो करना नहीं है फिलहाल, बट हमें क्या करना है इससे हमें पता चलती है इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी
एप्साइलन की। देखो कोई भी अगर पीक आ रही है, कोई बैंड आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो किसी वेवलेंथ के अगेंस्ट आता है। आप देख रहे हो क्या हमारे पास ये वेवलेंथ की वैल्यूज है, इसके लिए एक अलग वेवलेंथ है, इसके लिए एक अलग वेवलेंथ है, आपका क्या है वेवलेंथ की वैल्यूज वेरी कर रही है। तो जो भी वेवलेंथ होगी उसके हिसाब से हमारी इंटेंसिटी डिसाइड होती है। कोई भी मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हो रहा है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, उसके हिसाब से उसकी पीक जो आने वाली है उसकी इंटेंसिटी डिसाइड होगी। और इंटेंसिटी को हम न्यूमेरिकली कैसे देखते हैं, एप्साइलन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मतलब उस वाले पीक की इंटेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, इंटेंसिटी को। और ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन लैम्डा, मतलब सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपसे यही पूछ ले तीन चार ऑप्शन देके, क्या ये कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्या ये लेंथ पे डिपेंड करता है क्यूबिट की, या फिर किस चीज पे डिपेंड करता है। तो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करेगा सिर्फ वेवलेंथ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसलिए क्या है यहाँ पे कंसेंट्रेशन, जो हमने सोल्यूशन बनाया है जिसकी हम वैल्यू ले रहे हैं, जिसका हमें स्पेक्ट्रा चाहिए, उसकी कंसेंट्रेशन। लेंथ क्या होती है, लेंथ हम जनरली सेंटीमीटर में लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप क्या करते हो क्यूबिट्स होती है, आपने देखा होगा लैब में क्यूबिट, CUBIT, क्यूबिट्स क्या होती है, इस तरह की होती है। इनमें क्या करते हो, अपना सॉल्यूशन रखते हो, तो इनकी जो ये वाली लेंथ है वो यहाँ पे L है, वो किसमें है सेंटीमीटर में। एब्जॉर्बेंस हम निकालेंगे इस तरह से, तो हमारे पास एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है एब्जॉर्बेंस का, एक क्या होता है लॉग ऑफ आई डॉट अपॉन आई, ये भी किसका फॉर्मूला है एब्जॉर्बेंस का। तो एब्जॉर्बेंस निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, इनको अब यूज करना फिजिकल में, अभी के लिए हम समझ रहे हैं किस सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पे आई नोट क्या है, आई नोट है इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी, मतलब आपने क्या किया, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जिसके अंदर आपने सॉल्यूशन क्यूबेट में डाल के रखते हो, फिर जैसे यहां से लाइट पास करवाते हो, तो यहां से जो भी लाइट जो रेडिएशन पास हुई है उसकी इंटेंसिटी है आई नोट। अब क्या होगा, कुछ तो ये एब्जॉर्ब करेगा, जो सॉल्यूशन है कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर जो हमारे पास रेडिएशन जो बाहर जाएगी उसकी कुछ अलग इंटेंसिटी होगी, इससे अलग होगी। तो ये वाली क्या है हमारे पास फाइनल इंटेंसिटी। तो अगर हम इनिशियल बाय फाइनल करके लॉग ले लेते हैं तो भी हमारी क्या आती है एब्जॉर्बेंस। अब यहां से मुझे आपको दो चीजें बतानी है, वो ये कि जो ये क्यूबिट होती है, ये क्यूबिट किस चीज की बनी होती है, ग्लास की नहीं होती है, ग्लास की नहीं होती है, किसकी होती है क्वार्ट्ज की। ग्लास की क्यों नहीं बनी होती, क्योंकि जो ग्लास होता है वो क्या करता है, बहुत ही कम ट्रांसमिट कर पाता है रेडिएशन को, ट्रांसमिट लेस। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे कोई रेडिएशन पास करूं और ग्लास उसको ट्रांसमिट ही ना कर पाए, ट्रांसमिट का मतलब दो, देखो दो वर्ड, एक है एब्जॉर्प्शन एक है ट्रांसमिशन। तो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, जितना एब्जॉर्ब करोगे उसके एक्स्ट्रा, सपोज करो 100% मैंने कुछ पास करा यहां से, 50% एब्जॉर्ब हो गया तो बाहर कितना जाएगा 50, है ना। और अगर सपोज आपने 100% कुछ पास किया, उसमें से 20% एब्जॉर्ब हो गया तो ट्रांसमिट कितना होगा 80%। ग्लास वाले केस में क्या होता है, सॉल्यूशन ने सपोज करो 20% अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो 80% बाहर जाना चाहिए, लेकिन अगर हम ग्लास के क्यूबिट लेते हैं तो क्या होता है, कुछ परसेंट जो है वो ग्लास से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हमारे पास 80% आनी चाहिए थी, 20% अगर सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो 80% बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन ग्लास क्या करता है थोड़ा सा और एब्जॉर्ब कर लेता है, मान लो 10% एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमें 80 जो बाहर हमें मिलनी चाहिए थी कितनी मिलेगी 70। इसलिए ग्लास को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है ट्रांसमिशन कम करता है, इसलिए क्वार्ट्ज यूज करता है। तो ये हो गया, उसके बाद ये बात चीज समझ में आई। अब हमें क्या करना है, हमें ये सीखना है कि जो ये ऐसे कितनी ब्रॉड पीक क्यों आ रही है, जब हम बोल रहे हैं कि पाई से पाई स्टार का ये ट्रांजिशन हो गई, ये पाई है ये पाई स्टार है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चला गया तो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, अभी एब्जॉर्प्शन हुई मतलब एब्जॉर्ब हो गया, वापस से मतलब ट्रांसमिशन होगा, उसका हमें एक पीक दिखना चाहिए, बट एक पीक तो हमें दिख ही नहीं रहा है, हमें तो इतना ये ब्रॉड कुछ दिख रहा है, समझ में कैसे आएगा कौन से वाले पीक की वजह से आई है। तो इसका रीजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं ये। तो मैंने आपको बोला ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो यूवी विजिबल की जो रेंज है, अगर आपको वो वाली पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सीरीज होती है आपको पता है वो कैसी होती है, CGX UVIMR। मैंने इसे याद किया, आपको ऐसे बोलते देखोगे आपको याद हो जाएगा, ये क्या है, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स।
यहाँ पर क्या होता है, हमारा एनएमआर आता है, माइक्रोवेव में हमारी रोटेशन होती है, यहाँ पे हमारी वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन रोटेशन, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से जो कौन से वाली रेंज से डील कर रहे हैं, हम इस वाली रेंज में है। अभी आपको पता है कि यहां से लेकिन यहां तक क्या होता है, वेवलेंथ जो है लैम्डा वो इंक्रीज करती है, मतलब जो माइक्रोवेव रेंज है उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है इंफ्रारेड से, इंफ्रारेड से ज्यादा होती है यूवी से। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी का, अगर ये वाला वेवलेंथ का ऑर्डर है तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर होगा हमारा ये वाला, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह से जो यूवी है उसकी एनर्जी जो है वो आई से इंफ्रारेड से ज्यादा है, इंफ्रारेड की ज्यादा है माइक्रोवेव से। मतलब अगर मैं इस वाली रेंज से डील कर रही हूं, अगर मैं ट्रांजिशन के लिए इतनी वाली एनर्जी दे रही हूं, तो इस वाली एनर्जी में क्या होगा, मेरी वाइब्रेशन भी हो जाएंगी और रोटेशन भी हो जाएंगी। आप देख रहे हो ये, मतलब यूवी को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, तो इतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो उस वाली एनर्जी जो इन दोनों को एनर्जी चाहिए रोटेशन के लिए या फिर वाइब्रेशन के लिए, वो तो कम होती है इसके कंपेरिजन में। इसीलिए सिर्फ मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो रहा, इन दोनों लेवल्स के बीच में क्या होते हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स भी होते हैं, रोटेशनल लेवल्स भी होते हैं, उनमें भी ट्रांजिशन होते हैं। तो अगर हम उनको भी कंसीडर करेंगे तो आपको एक कोई भी शार्प पीक मिल ही नहीं सकती है, हमेशा ही क्या होगा, आपको एक ब्रॉड पीक मिलेगी। थोड़ा मैं ट्राई करती हूँ एक्सप्लेन करने की। जैसे हमने क्या किया, हमने ले लिया ये हमारा एक लेवल है इलेक्ट्रॉनिक लेवल, एक ये वाला है इलेक्ट्रॉनिक लेवल, को मैं ई जीरो से दिखा रही हूँ, मतलब ग्राउंड लेवल, ठीक है, ई वन एक्साइटेड स्टेट, मतलब आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को इस वाले लेवल से यहां तक लेके जाना है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं आपको पता है उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाइब्रेशनल भी और रोटेशन भी। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले लेवल में क्या होगा, आपके पास ये क्या है, वाइब्रेशनल लेवल्स क्या होता है, यूवी, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, यहाँ पे होती है वाइब्रेशन, यहाँ पे होती है रोटेशन, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो मैंने क्या कंसिडर किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो इनके बीच में क्या होंगे, ये वाले वाइब्रेशनल लेवल्स, इसके लिए अपने वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे इस तरह से। जैसे मैंने अब लिखा वी इक्वल टू जीरो, वी इक्वल टू वन टू, ऐसे ही इसके भी अपने होंगे। अब जो वाइब्रेशनल लेवल्स है आपको पता है वाइब्रेशन की एनर्जी जो होती है रोटेशन से ज्यादा होती है, इसका मतलब जब वाइब्रेशन होगी तो रोटेशन तो 100% होगी, और इसके बीच में क्या होते हैं हमारे, ये इनके बीच में क्या होते हैं, रोटेशनल लेवल्स, कितने वाले, इतने पतले पतले हमारे पास क्या होते हैं, इतना कम एनर्जी वाले, मतलब एनर्जी के बहुत ही कम होते हैं, ये क्या है हमारे पास, रोटेशनल लेवल्स, जे इज इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू वन, इस तरह से। और ऐसे ही इनके बीच में क्या है, रोटेशनल लेवल्स, यहाँ पे क्या है, जे इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू वन, इसके लिए भी, इन सबके लिए भी क्या है। तो भी आप देख रहे हो जो हमें इतना सिंपल दिख रहा है ए इक्वल टू जीरो वन, तो अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऐसे करवा भी दी कि ए जीरो से ई वन में ट्रांजिशन हो गई है, तो उसके साथ में क्या हुआ होगा, जो ये v इक्वल टू जीरो वन वाले, इनमें तो ट्रांजिशन हुई होगी। और मैंने आपको बताया है सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, डेल्टा j इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, रोटेशन भी पढ़ा था हमने, और डेल्टा v इज इक्वल टू क्या होती है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, सारे होते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो इनको हटा देते हैं, इंटेंसिटी बहुत कम आएगी, अब इन्हीं को कंसिडर करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो v से जीरो में भी जा सकते हैं, जैसे v जीरो ये है, v जीरो से v ये भी पॉसिबल है, वन से टू भी पॉसिबल है, तो ये वाले भी ट्रांजिशन होंगी। और ये भी हो सकता है यहाँ के वी जीरो से लेके यहाँ के वी वन तक चले जाए, तो ऐसे करके बहुत ही ज्यादा ट्रांजिशन होंगी वाइब्रेशनल वाली भी, और ऐसे ही जो डेल्टा जे भी है, यहाँ पे जे इज इक्वल टू जीरो है, जे वन है, तो ये वाली ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, यहाँ के जे से इसके जे में ट्रांजिशन हो जाए, तो बहुत ही ज्यादा ट्रांजिशन आती है। आप खुद देख लो, इसी सारी लाइन हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होगी, ये सबके रिगार्डिंग अगर एक एक पीक आ रही है, यहाँ पे मेरी एब्जॉर्बेंस, यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, एक पीक यहाँ पर आई, एक यहाँ पर आई, एक ऐसे करके आ गई, तो ऐसे ऐसे अगर आपको पीक्स आएंगी तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, सबको अलग अलग नहीं दिखा पाता है, वो क्या करता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसे पीक दिखा देता है। तो जो ऐसे वाली पीक आई है यहाँ पे, मतलब क्या है, वाइब्रेशनल लेवल्स भी आएंगे, रोटेशनल भी आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आएगी। तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि एनर्जी हमारी यूवी विजिबल की ज्यादा है, तो इसलिए रोटेशनल और वाइब्रेशन भी होती रहती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ रोटेशनल और फिजिकल वाली जो है, रोटेशनल वाइब्रेशन, आप वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां से हमारे पास ब्रॉड आ गई पीक, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी वो ये है
जो ये पीक है इसमें एक जो ये वाला एक्सट्रीम वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसमें होता ये है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो सबसे सेंटर में जहां पे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक का ही पीक होता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख लें तो जो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक का पीक है, और फिर क्या होता है बाकी जितने भी होते हैं लेवल्स इससे कम वाली एनर्जी पे या ज्यादा एनर्जी पे आते हैं। तो जो भी आप ये कर्व बनाते हो तो जो हाईएस्ट वाला पॉइंट है तो आप ये कंसिडर कर सकते हो किसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से जो पीक आई है वो ये वाली पीक है, और जो बाकी जो कर्व हमें बनाने पड़ रहे हैं ये किसकी वजह से है, हमारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल वेव्स की वजह से। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना काफी है। अब भाई आते हैं अपने मॉलिक्यूल्स पे। ये जो आपको इतनी कहानियां सुना रही हूं ना, अगर देखा जाए तो इन सबकी जरूरत नहीं है आपके नेट और गेट के लिए, लेकिन इन सबकी जरूरत है आपके इंटरव्यूज के लिए, आपके वाइवा के लिए प्रैक्टिकल में। अगर आपसे कोई पूछे आपने यूवी पढ़ी है तो हाँ पढ़ी है, ठीक है बता दो फ्री सारी चीजें। कि पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि उसमें एक ट्रांजिशन होती है, आपसे पहले पूछेंगे एक ही ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो वायर ट्रांजिशन होगी, टीक दिखाना कैसे आती है, स्पेक्ट्रा बनाना, तो आप क्या करोगे ऐसा कर्व बना दोगे, फिर क्वेश्चन आएगा ट्रांजिशन तो एक ही हुई है, एक ही पीक आनी चाहिए, तो ये कर्व क्यों बना रहे हो, बस फिर एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, इसी तरह से चलता रहता है, तो आपको बताने हैं या फिर और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पाई टू पाई स्टार तो अलाउड है, सिमेट्रिकली नहीं, सिमेट्रिकली नहीं बोलेंगे, पाई टू पाई स्टार अलाउड है, लेकिन जो एन टू पाई स्टार होता है वो अलाउड नहीं है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करना सिखाया अभी कैसे करेंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं, और अभी कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्ट करते हैं, अब अपने ट्रांजिशन पे आते हैं, सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार, मतलब कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा उसमें आपको देखना है, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया इथेन, ये ले लिया मैंने, ठीक है, इसके आपको ट्रांजिशन बताने कौन सी ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल होंगी। तो क्या करते हैं, अभी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमें क्या है सिग्मा बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे एक सिग्मा प्रेजेंट है, एक सिग्मा स्टार प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो किसी और के चांस ही नहीं बनते, इसमें एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, कौन सा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो जितने भी एल्केन्स होते हैं उनमें हमारे पास एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, वो कौन सी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। आपको खुद से पता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए जो वेवलेंथ आती है वो बहुत कम आती है। इसको भूलना मत, रिलेशन को इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या आएगी, कम आएगी। तो इसमें क्या होता है, आपको वेवलेंथ बहुत ही कम आती है, और ये बात आपको पता होगी, वेवलेंथ से हमारा क्या होता है, कलर डिसाइड होता है। हमने देखा है 200 से लेके 800 तक हमारी यूवी विजिबल की रेंज है, जो विजिबल वाली रेंज है 400 टू 800, उसमें क्या होता है कलर आता है, यहाँ पर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कलर दिखाएगा अगर विजिबल रेंज में आएगा तो। और अगर यहाँ पे 200 से 400 है ये यूवी रेंज, यूवी विजिबल मतलब यूवी वाली रेंज है, तो यहाँ पे क्या होता है कलर नहीं आता है। तो अब आपको क्या करना है, जो एल्कीन्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा ही कलरलेस होंगे, क्योंकि ये वाला एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा है, डेल्टा ई बहुत ज्यादा है, तो वेवलेंथ आपकी कम हो जाएगी। 400 से 800 में कलर है, उससे पहले वाली वेवलेंथ में कलर नहीं है, तो इसमें बहुत ही कम आने वाली है, इसलिए सारे क्या होते हैं कलरलेस। समझ आ गया, एल्केन्स हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है, हेलोजन वाले कंपाउंड्स, मतलब हेलो एल्केन्स, जैसे कि CH3 CH3 I, ठीक है, क्लोरोमीथेन या फिर आइडोमीथेन, इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनमें कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो सिग्मा बॉन्ड तो आपको दिख रहा है, इनके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है लोन पेयर्स, इनको नहीं भूलना है। तो यहाँ पे कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक तो हमारे पास अभी सिग्मा है, और सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होगा, और ये क्या है नॉन बॉन्डिंग, दोनों के लिए सेम है, सिर्फ हेटेरोएटम चेंज हुआ है, बाकी सेम है। तो यहाँ पे कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं ये वाले दो ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन सिमेट्रिकली कौन सा अलाउड है, सिर्फ ये वाला और ये वाला क्या होता है सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हमेशा कम आए। ठीक है, इतना अभी समझ में आया हमें। और जो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन की जो हम बात करते हैं, हम ना ऐसे मान लेते हैं कि जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाले ट्रांजिशन है ये हमारे किसी काम के नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए ज्यादा, वेवलेंथ इनकी है कम, वेवलेंथ कम होने की वजह से कलर तो आना नहीं है, तो हमें देखने को मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हम क्या
करते हैं, ज्यादातर हम स्टडी करते हैं ऐसे वाले जिनमें हम थोड़े से कलर देखने के थोड़े चांसेस हो। तो यहाँ पर क्या है, जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बट एन टू सिग्मा स्टार जो ये वाला है इसकी एनर्जी कम है इसके कम्पेरिजन में, तो यहाँ पे कम एनर्जी में हमें क्या करेगा, अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा वेवलेंथ पे कलर आने के चांसेस होते हैं, बट ये भी कलरलेस होते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अगर आप कैसे देखोगे ये तो ठीक है, इसमें भी एन टू पाई स्टार वाली ट्रांजिशन है, इसमें भी दोनों में है, यहाँ पे भी है एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, सॉरी नॉट पाई, एन टू सिग्मा स्टार, यहाँ पर भी क्या है एन टू सिग्मा स्टार। अब आपको मुझे ये बताना है दोनों में होनी है एन टू पाई स्टार, पाई कहां से आ गया, एन टू सिग्मा स्टार, दोनों में होनी है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तो आपको मुझे बताना है कौन से वाले ट्रांजिशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी, बता सकते हो, ट्राई कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास भी है, आयोडीन के पास भी है ना, क्या करना है इसके लोन पेयर को उठाना है, यहां से ये है हमारे पास ये, इनके लोन पेयर को उठाना है, कहां को जाना है सिग्मा स्टार में, एक हमारे पास क्लोरीन वाले हैं, एक हमारे पास आयोडीन के हैं, तो आपको पता है जो क्लोरीन होता है सीएल जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू आयोडीन, ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का, तो हमारा जो सीएल है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू आयोडीन, तो क्या होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड करके रखेगा, इतना आसानी से जाने नहीं देगा, तो इसके क्या होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड होंगे, और अगर स्ट्रॉन्गली कोई चीज मतलब किसी से अटैच्ड है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए क्लोरीन के केस में जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी, ई ऑफ सीएल जो है वो ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू एनर्जी ऑफ आयन, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके कंपेरिजन में कम लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं है तो उनके लिए थोड़ी सी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बट यहाँ पे क्या है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, इसकी वजह से हमें ज्यादा एनर्जी देके ट्रांजिशन करवाना पड़ेगा, मतलब ये वाली एनर्जी ज्यादा है, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी कम होगी, इसलिए जो सीएल की वेवलेंथ है वो कम है इन कंपेरिजन टू वेवलेंथ ऑफ आयोडीन, मतलब अगर हम इस वाले कंपाउंड की वेवलेंथ की बात करते हैं तो क्या होगा वेवलेंथ जो आएगी CH3Cl की वो क्या होगी कम होगी इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ सीएच3 आयोडाइड, और ये कौन से ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं हम एन टू सिग्मा स्टार, इजी है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में भी, आपको आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी ना करो, मतलब आपको बस इतना आना चाहिए कि हमें निकालने क्या है कॉन्सेप्ट किस तरह का लगाना है, ठीक है ऐसे बस ध्यान रखना है और क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएंगे। जनरली क्या होता है जो आयोडीन वाले केसेस होते हैं मतलब जो हेलोजन वाले केसेस होते हैं उसमें यही कॉन्सेप्ट लगता है, इस तरह से हो सकता है आपसे एग्जामिनर वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ ले या फिर फ्रीक्वेंसी का पूछ ले या एनर्जी का, आप सबका निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है एनर्जी क्या होती है एच न्यू या फिर सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा पता है तो ई निकल गया और ई पता है तो फ्रीक्वेंसी निकल गई, ठीक है एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, ओके इस तरह से हम कर सकते हैं, समझ में आ गया इतना, ठीक है अभी हमें क्या करना है जो ये वाली ट्रांजिशन है एन टू सिग्मा स्टार ये और किसमें पॉसिबल होती है, तो ये कहां पर हो सकती है अभी हमें ध्यान रखना है, अपना ये पॉइंट अगर नोट्स बना रहे हो साथ साथ तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि जो ये एन टू सिग्मा स्टार वाली जो ट्रांजिशन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड सेंसिटिव होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड सेंसिटिव का क्या मतलब है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज एच बॉन्डिंग सेंसिटिव, मतलब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई ना कोई इफेक्ट आने वाला है, वो कैसे देखेंगे अगर जैसे अभी हमने सोचा था क्लोरोमीथेन इसी तरह से मैं ले रही हूं आपके पास मीथेनॉल ये है, तो यहां पर क्या होता है अभी ये बात तो मैं आपको पता नहीं कब से बता के आ रही हूं कि कोई भी अगर हम सोल्यूशन कंसिडर करते हैं मैंने मीथेनॉल आपको बोल दिया तो वहां पर ये एक मोलिक्यूल नहीं है, अगर हम वन इक्विवेलेंट मिथेनॉल ले रहे हैं मतलब वन इक्विवेलेंट या फिर वन मोल की बात भी करते हैं अगर तो क्या होता है उसमें कितने मोलिक्यूल्स होंगे 6.022 × 10²³ मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, तो क्या है अगर एक मिथेनॉल ले रहे हैं तो बाकी में बहुत सारे उस कंपाउंड में क्या है बहुत सारे मिथेनॉल है बहुत सारे मोलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, कैसे एक ये वाला है तो ये वाला एच मेसल हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कर सकता है, ये वाला किसी ओड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग
है वो किसमें इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पे करवानी है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को भेजना है सिग्मा स्टार में, तो आपको इसमें क्या होगा हेलोजन के कंपैरिजन में भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ट्रांजिशन करवाने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसीलिए इनको हटाने के लिए अलग करने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन पे ध्यान दें, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ OH CH3OH और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CH3X, X क्या है कोई भी हेलोजन, तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हेलोजन, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी कम होगी। तो आप ध्यान रख सकते हो ये बात कि CH3OH की जो वेवलेंथ आएगी N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए वो कम होगी इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ कोई भी हेलोजन फॉर सिग्मा टू फॉर N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, समझ आ गया। रीजन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें कि जो ऑक्सीजन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। लेकिन हेलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए। वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, उनकी इंटरेक्शन को तोड़ना है, और ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी ज्यादा देंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, इससे का ये क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट देखते हैं, बाकी आपको मैंने बताई दिया है पाई टू पाई स्टार, और अगर आप देखो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, कोई कंपाउंड है उसमें दो तरह के ट्रांजिशन हो रहे हैं पाई टू पाई स्टार भी और एन टू पाई स्टार भी। जैसे मान लो आपको एसीटोन दे दिया एग्जामिनर ने, पता है वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, बट क्योंकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होता तो इसलिए हम लगा नहीं पाते हैं। अब आप देखो आपको ये वाला कंपाउंड दिया है और पूछा ये हुआ है इसमें ये दो ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, हमें भी दिख रहा है कि भैया एक पाई बोन यहाँ पर है एक लोन पेयर्स है, पाई स्टार इसके पास वैसे ही सिग्मा स्टार भी है, तो यहाँ पे ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स भी जा सकते हैं पाई स्टार में, और जो ये वाले नॉन बॉन्डिंग है ये भी जा सकते हैं पाई स्टार में, ये तो समझ में आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया दोनों में से इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, क्या करोगे आप इंटेंसिटी के लिए। मैंने आपको बताया है पाई टू पाई स्टार क्या है सिमेट्रिकली अलाउड है, जबकि ये क्या है सिमेट्रिकली फॉरबिडन, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी कम होगी, इंटेंसिटी लो N2 पाई स्टार वाले ट्रांजिशन की इंटेंसिटी लो होगी इन कंपैरिजन टू पाई स्टार। रीजन क्या है सिमेट्री वाला अलाउड है सिमेट्रिकली अलाउड, ये क्या है सिमेट्रिकली फॉरबिडन। तो इससे एक क्वेश्चन आते हैं, अभी समझ में आ गया। अभी हमें क्या करना है, मुझे आपको समझानी है कुछ टर्म्स, उसके बाद हम जाएंगे कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले टर्म होती है क्रोमोफोर, आपने बहुत बार सुनी होगी क्रोमोफोर, एक होता है क्रोमोफोर एक होता है ओक्सोक्रोम। इन दोनों में इतना ज्यादा डाउट रहता है कि कौन से, हमें ना दोनों का मतलब तो पता होता है लेकिन फिर डिफरेंस अगर पूछ लेते तो फंस जाते हैं। अभी क्या करोगे आप, याद कैसे रखेंगे क्रोमोफोर, सी से क्रोमोफोर है और सी से हम याद रखेंगे कोवेलेंट, तो ये क्या होते हैं कोवेलेंटली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या होता है कोवेलेंटली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कोवेलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये अनसैचुरेटेड, और ये क्या होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, बस ये ध्यान रखो उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इतना ध्यान रखते हैं जो ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स इनमें होते हैं, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, यहाँ पे सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड जिसमें कार्बन के आपको सारे सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, जैसे कि एल्केन्स सिंगल बॉन्ड, इनमें क्या होता है अनसैचुरेटेड मतलब या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है उनको क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रोमोफोर, क्रोमोफोर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स कंपाउंड या फिर ग्रुप। इसके एग्जाम्पल मैं आपको क्या बोल सकती हूँ, इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं किस तरह के होते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं बेंजीन, ये क्या है कोवेलेंट तो है, सारे ऑर्गेनिक में जो सारे कोवेलेंट ही पढ़ते हैं हम, और ये क्या है अनसैचुरेटेड
तो ये हमारा हो गया। और क्या हो सकता है? नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? डबल बोन ये और इधर से ये, तो ये क्या है? नाइट्रो। ये भी क्या होता है? मल्टीपल बोन है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का हमने एग्जाम्पल दे लिया। और आप क्या ले सकते हो? कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर भी क्या है? मल्टीपल बोन है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? सारे क्रोमोफोर्स के, ठीक है। ये क्या करते हैं हमारे पास? यही रिस्पॉन्स, यही वाले सारे जो होते हैं हमारे पास ट्रांजिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन। तो जो कोई भी ट्रांजिशन जो हो रही है यूवी रेंज में, जो भी ट्रांजिशन हो रही है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है हमारे? ऑक्सोक्रोम रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, क्रोमोफोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो हमारे पास जो ट्रांजिशन हो रही है, जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, वो किसकी वजह से होती है? क्रोमोफोर्स की वजह से। अगर सारे काम क्रोमोफोर को ही करने हैं, उन्हीं को एब्जॉर्ब करनी है रेडिएशन, उन्हीं को ट्रांसमिट करनी है, उन्हीं को पीक दिखानी है, तो ये क्या कर रहे हैं फिर ऑक्सोक्रोम? ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं, कंपाउंड, या फिर कंपाउंड नहीं, या फिर ग्रुप लिखो, सैचुरेटेड ग्रुप्स। अब इनका काम क्या होता है? जैसे कि हमारे पास CH3 हो गया, NH2 हो गया, सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड, Cl हो गया, इस तरह से आपको देखे हैं। तो ये क्या है? सारे ही सैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? अगर इनको हम लगा दें क्रोमोफोर्स के साथ, तो ये क्या करते हैं? उनकी इंटेंसिटी भी चेंज कर देंगे, उनकी वेवलेंथ भी चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? चेंजेस द इंटेंसिटी एज वेल एज वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ क्रोमोफोर्स। मतलब अगर आप क्रोमोफोर के साथ लगा देते हो ऑक्सोक्रोम्स को, तो वो क्या करेंगे? जिस भी वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जहां पे ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, उसको चेंज कर देंगे। वो ऊपर नीचे होगी, वो कैसे करेंगे? बेंजीन की अपनी कोई ना कोई एब्जॉर्बेंस है। अगर अब मैंने लगा दिया बेंजीन के साथ एनिलीन, तो क्या होगा यहां पर? कि क्या करने वाले हैं? इधर आया नेगेटिव, इधर आया ये। मतलब जैसे ही NH2 लगाया, तो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना? बना सकते हो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? तो जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते जाएंगे, तो जब एक कंपाउंड के एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो क्या होता है? उसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो आपको पता है रेजोनेंस से क्या होता है? एनर्जी हमारी डिक्रीज करती है। रेजोनेंस से या फिर कॉन्जुगेशन से क्या होता है? हमारी जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है। और अगर हमारी एनर्जी रेजोनेंस से डिक्रीज करेगी, तो वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, है ना? वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? इनसे क्या होता है? ऑक्सोक्रोम जैसे ही क्रोमोफोर में एड होते हैं, तो फिर कलर आना स्टार्ट होता है। क्योंकि आप देखोगे एनिलीन का कलर फिर भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन बेंजीन का कोई कलर नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है? जब भी हम ऑक्सोक्रोम को ऐड कर देते हैं क्रोमोफोर्स के साथ, तो ये क्या करते हैं? किसी न किसी वजह से उसकी वेवलेंथ को भी चेंज कर देते हैं, उसकी इंटेंसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने यहाँ पे NH2 लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ये क्या कर सकते हैं? अपने कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की वजह से जो मॉलिक्यूल की ओवरऑल एनर्जी है वो डिक्रीज कर गई, और डिक्रीज करने से क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज करिए मतलब वेवलेंथ बढ़ गई है। तो जनरली क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में कलर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि वेवलेंथ जब बढ़ेगी तो कलर आएगा। आपको फिर से बता रही हूँ, 400 to 800 किसके है? विजिबल की। विजिबल का मतलब जिसका कलर हमें इजिली दिख जाएगा। तो ये काम होता है हमारे पास क्रोमोफोर्स का या फिर ऑक्सोक्रोम्स का। अभी डिस्कस कर रहे थे, दो और टर्म्स हैं। एक होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, पैथोक्रोमिक शिफ्ट। एक होती है ये वाली टर्म, एक होती है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट इसका एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगी अभी, लेकिन पहले समझो मतलब क्या होता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब होता है किसी भी रीजन की वजह से वेवलेंथ इंक्रीज हो जाए। अगर किसी भी रीजन से, अगर किसी मॉलिक्यूल की, किसी कंपाउंड की अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑफ वेवलेंथ। बैथोक्रोमिक का मतलब वेवलेंथ इंक्रीज कर गई है, और हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर दी। रीजन कुछ नहीं हो सकता है, जनरली सॉल्वेंट होता है, तो उसके वजह से क्या होता है इसका? अगर वेवलेंथ डिक्रीज कर गई, उसको हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अगर वेवलेंथ अगर डिक्रीज कर गई है तो हाइपोक्रोमिक, इंक्रीज कर गई है तो बैथोक्रोमिक, ठीक है? ये चारों टर्म्स क्लियर हो गए। अभी हमें देखना है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अभी ना एक और बात भी आती है कि यहाँ पे जब हम यूवी वाला जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जब बना रहे होते हैं, स्पेक्ट्रा ले रहे होते हैं, तो कैसे कैसे सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं यूवी के केस में, तो क्या होगा? अब ना एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारा सॉल्वेंट है
अगर आपको किसी का भी स्पेक्ट्रा लेना है तो सोल्यूशन तो बनाना पड़ेगा। सोल्यूशन किसमें बनाएंगे? सोल्यूशन के लिए हमें सोलवेंट चाहिए। अब जो सोलवेंट होगा ये भी तो हो सकता है कि वो भी तो एब्जॉर्ब कर लेगा रेडिएशन को, और अगर सोलवेंट भी एब्जॉर्ब कर लेगा फिर तो होगा काम, हमें दिखने वाला ही नहीं है स्पेक्ट्रा। जो ये वाला आपका स्पेक्ट्रा है जो जैसे भी बनेगा उसमें तो फिर सोलवेंट की भी लाइन आनी शुरू हो जाएंगी। अगर सोलवेंट भी एब्जॉर्ब कर लिया उसकी भी कोई पीक दिखेगी तो हमें क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ऐसे सोलवेंट्स लेते हैं इसमें जनरली जो कि क्या होंगी, जो एब्जॉर्ब ना करें हमारे यूवी रेंज में। और जनरली जो सोलवेंट यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? वॉटर, इथेनॉल 95% वाला जितना होता है वो वाला इथेनॉल, वॉटर या फिर हेक्सीन। ये तीन ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो जनरली हमारे इंटरफेयर नहीं करते हैं उस रेंज में जहां पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हमें कंसीडर करने होते हैं। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर हैलोजन्स पढ़ते हैं, मतलब इस तरह जो कंपाउंड्स हम जो भी पढ़ते हैं उनके केस में क्या होता है ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसलिए मैक्सिमम केसेस में हम यूवी वाले केस में क्या करते हैं, इन्हीं को अपना यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे हो गया। अभी मुझे एक और चीज बतानी थी। अच्छा, एक ना क्वेश्चन से आपका ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, हो सकता है पेपर में कभी आ जाए। ये है एब्जॉर्बेंस, ये है वेवलेंथ। ठीक है, मैंने बनाया है एक ये वाला, बहुत ही गंदा रहता है, कुछ ऐसा सा है, मतलब इस तरह कुछ मैंने बनाया है, आपको दिख रहा है ये, मतलब शार्प पीक तो ये भी नहीं है, एक ये वाला है और एक कुछ इस तरह का है ये। तो मैं आपको बोल रही हूँ जो ये दो पीक्स है ना ये सेम मॉलिक्यूल के लिए हैं, जो ये स्पेक्ट्रा मैंने बनाया है वो क्या है, सेम मॉलिक्यूल के लिए। डिफरेंस कहां पर है? सॉल्वेंट में। सेम मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सॉल्वेंट, सेम मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट अलग अलग मैंने ले लिया है। मैं बोल रही हूँ एक में मैंने सॉल्वेंट लिया हुआ है हेक्सीन और एक में मैंने लिया हुआ है इथेनॉल। आपको मुझे ये बताना है वो जो कंपाउंड है ये पोलर है, सेम मॉलिक्यूल का है, कौन सा है? ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर का मतलब कोई ना कोई उसमें पोलर ग्रुप है, जैसे कि ऑक्सीजन, मान लो कि ऑक्सीजन है तो अभी क्या होगा, ये कंपाउंड भी ऐसा कुछ, मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है और मैंने क्या किया उसी कार्बोनिल कंपाउंड को एक बार मैंने डिसॉल्व किया है हेक्सीन में, एक बार डिसॉल्व किया इथेनॉल में। तो जो मैं स्पेक्ट्रा ले लूं, मेरा एक केस में ऐसे वाला आया, एक में ऐसे वाला आया, तो आपको मुझे बस ये बता देना है अब कि कौन से वाले केस में ये वाला आएगा और कौन से में ये आएगा। कैसे करेंगे? यहाँ पर आता है हमारे सॉल्वेंट का रोल। अब आपको पता है जो ऑक्सीजन है क्या कर सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, है ना। अगर हमारा इथेनॉल है मान लो, तो ये वाला एच जो है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना, ये वाले जो ऑक्सीजन है दूसरे वाले एच के साथ हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, जब ये वाला जो सॉल्वेंट है वो भी इंटरेक्ट करने लगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सॉल्यूट है, जो हमारा कंपाउंड है वो और जो हमारा सॉल्वेंट है वो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन हो रही है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, जो थोड़ी सी हमें ये शार्प पीक दिख रही होती है ये भी हमारी ब्रॉड हो जाती है। ये किसके केस में है? ये है हमारा इथेनॉल के केस में और ये यहाँ पे क्या है, हेक्सीन के केस में। मतलब क्या होगा, जब हमारा सॉल्वेंट हेक्सीन है तो जो हेक्सीन है वो क्या कर रहा है, वो हमारे कंपाउंड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। हेक्सीन क्या होता है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, अब जब इंटरेक्शन नहीं हुई है तो थोड़ी सी शार्प पीक हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जब सॉल्वेंट इंटरेक्ट करने लगेगा तो ये जरा सा जो हमें पीक दिख रही थी शार्प, ये भी जो हमारी क्या होगी, ब्रॉड हो जाएगी पीक भी। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको कुछ ग्राफ बना के पूछने की कौन से वाला सॉल्वेंट इसके लिए, तो आप देख लो जहां पर भी जो पीक्स है वो बिल्कुल गायब होती हुई दिख रही है, मतलब समझ लो सॉल्वेंट इंटरेक्ट कर रहा है अपने सॉल्यूट के साथ। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंट का इफेक्ट। एक तो जैसे मैंने आपको ग्राफ में समझाया कि कैसे डिफरेंस आता है और एक वैल्यूज में किस तरह का डिफरेंस आता है सॉल्वेंट की वजह से, वो हमें देखना है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टार मार्क करके लिखना भी नोट्स में आ रहे हो, तो जो सॉल्वेंट का इफेक्ट है वो सिर्फ पोलर बॉन्ड्स पे आता है, ओनली ऑन पोलर बॉन्ड्स। मतलब अगर हमारे पास दो तरह के बॉन्ड हैं, एक है हमारे पास कार्बोनिल ये और एक है हमारे पास C डबल बॉन्ड C, तो इस वाले कंपाउंड में से
या सीडर हॉर्स भी है वहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पोलर है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें हमारे पास सॉल्वेंट का इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि यहाँ पर आपको पूछने की एक हमारे पास सॉल्वेंट है हेक्सेन और एक कोई पोलर सॉल्वेंट ले ले जैसे कि वॉटर, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो लैम्डा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे लैम्डा मैक्स, अच्छा हाँ एक चीज मैं भूल ही गई बताना, वो है लैम्डा मैक्स कि लैम्डा मैक्स क्या होता है। लैम्डा मैक्स का वैल्यू का मतलब होता है जहां पे हमारे पास एप्साइलन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब एप्साइलन की वैल्यू जो होगी वो ई मैक्स कुछ नहीं होता, एप्साइलन की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि लैम्डा मैक्स पे जो हमारी एब्जॉर्बेंस है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे अगर मैं कैसे कोई भी रैंडम हिस्सा बना दूं ऐसे ऐसे करके, हमने ये प्लॉट बना लिया, यहाँ पे क्या है या तो एब्जॉर्बेंस होगा, यहाँ पे वेव लेंथ होगी, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है स्लोप ऑफ एप्साइलन, ये दो चीजें हो सकती है। तो देखो ये भी हमारे पास एक वेवलेंथ की वैल्यू, सारी वेवलेंथ ही है ना, तो सबसे मैक्सिमम जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है वो कहां पर है, ये वाली हमारे पास क्या है मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है। तो इसके कोरिस्पोंडिंग जो भी ये वेवलेंथ है, ये वाली जो भी वेवलेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं लैम्डा मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सोलवेंट चेंज करने से जो हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो भी चेंज होती है। जैसे कि अगर मान लो कि कुछ, और मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी, ये वैल्यू डिक्रीज भी कर सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है। वेवलेंथ की वैल्यू अगर डिक्रीज कर दे तो क्या बोलेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाते क्या बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इतना ठीक है, तो ये इफेक्ट जो होगा ये डिक्रीज इंक्रीज किस पे होगा, सॉल्वेंट की वजह से सिर्फ और सिर्फ पोलर बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स पे, ऐसे इनमें नॉन पोलर बॉन्ड्स है, यहाँ पे पोलर बॉन्ड समझ लो पोलैरिटी डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए यहाँ पे क्या है पोलैरिटी डिफरेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं पोलर बॉन्ड, ये क्या है नॉन पोलर, दोनों कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम एटम्स है सेम रहेगी, तो क्या है नॉन पोलर बॉन्ड्स है, तो डिफरेंस कहां पर आएगा सिर्फ इनमें। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऐसा फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन, इस पे अगर पूछ भी रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला इसका नजर इसमें लगाना, नॉन पोलर बॉन्ड्स पे नहीं लगेगा। अच्छा अब एक काम करते हैं, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं एसीटोन, इसमें आपको पता है सब कुछ है, सिग्मा है सिग्मा स्टार भी होगा, पाई है पाई स्टार भी होगा, यहां से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हमें करने हैं दो ट्रांजिशन कंसीडर, कौन से, एक तो पाई से पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार वाली ट्रांजिशन कंसीडर करनी है, और नेक्स्ट कौन सी करनी है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों ट्रांजिशन में किस तरह का इफेक्ट आएगा सॉल्वेंट चेंज करने से, कैसे देखेंगे। अभी देखो अभी ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे वो भी तो होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार या फिर नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, इनकी क्या है एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम आती है, इसलिए इनको हम क्या करते हैं कंसीडर नहीं करते, ये फॉरबिडन है, इंडस्ट्री बहुत कम आएगी, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए इन दोनों की बात नहीं करते हैं। जनरली जो होता है क्वेश्चन भी इन्हीं पे आता है, बुक्स में डिस्कशन भी इन दोनों का ही होता है, इसकी इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा है कि सिमेट्रिकली अलाउड है इसकी, ये मतलब ये फॉरबिडन है, सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, बट स्टिल ट्रांजिशन होती है, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी कम होती है। ठीक है, अब हमें इन दोनों को ही कंसीडर करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ना एक बार वापस से सब पूरा रब करती हूँ, सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे। यहां पर हम बात करते हैं N2 पाई स्टार की, तो यहां हमारा चल रहा है पाई टू पाई स्टार। ठीक है, ये है क्या कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास है ये नॉन बॉन्डिंग, ये है हमारे पास पाई स्टार एंड पाई स्टार, इसकी बात कर रहे हैं हम एसीटोन की। ठीक है, जो ये वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका हमें करवाना है ट्रांजिशन, किसमें भेजना है पाई स्टार में। तो अभी आपको क्या करना है, यहां पर ना दो सॉल्वेंट हैं, एक है यहां पर हमारे पास वॉटर, एक ये सॉल्वेंट है, एक है हेक्सेन। हेक्सेन क्या होता है नॉन पोलर है, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, ये क्या है पोलर है, इंटरेक्ट करेगा ही करेगा, ऑक्सीजन है एच है यहाँ पे ऑक्सीजन है इंटरेक्ट करेगा। तो अभी हमें क्या करना है, देखो ये वाला डायग्राम हमारे किसके लिए है हेक्सेन के लिए है, या फिर इसको
ये हम बात कर रहे हैं हेक्सीन की, जिसमें मान लेते हैं ये हमारा एन है, ये पाई स्टार है, यहां से यहां तक ट्रांजिशन हो रही है और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, वन। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। अब हमने क्या किया, सॉल्वेंट को चेंज कर दिया। पहले हमने इसको डिजोल्व किया हुआ था हेक्सीन में, अब हमने इसको किसमें डिजोल्व कर दिया, वॉटर में। तो देखो चेंजेस क्या आएंगे, जो हमारे पास एसीटोन है ये इतना वाला पार्ट कंसिडर करते हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है सीएसटी से, सर इतना है। जो ये लोन पेयर्स जो होंगे, हमारा जो वॉटर है, वॉटर मोलिक्यूल जो सॉल्वेंट के हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये हमारे पास वॉटर मोलिक्यूल से इंटरेक्ट करेंगे, कैसे, जिसके ये वाले लोन पेयर्स हैं ये हमारे इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, है ना। और जब इंटरेक्शन होती है ना तो क्या होता है, इंटरेक्शन से हमारे पास क्या आता है, स्टेबिलाईजेशन। इंटरेक्शन से आता है स्टेबिलाईजेशन। तो अभी क्या हो रहा है, जब हमारे पास नॉर्मल मॉलिक्यूल है, हमारा एक्साइटेड स्टेट में नहीं गया है, पाई स्टार तक इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, जब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही है, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है हमारी ग्राउंड स्टेट में। और स्टेबिलाईजेशन किसकी वजह से आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक्चुअल जो हेक्सीन था ये वाला केस नहीं था, क्योंकि हेक्सीन में क्या हो रही थी, हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, जैसे ही हमने वॉटर लिया तो इंटरेक्शन हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, स्टेबिलाईजेशन आया, मॉलिक्यूल स्टेबल हुए। स्टेबल होने का मतलब क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज कर गई, जो एक्चुअल में हमारे पास जो एनर्जी थी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, अब वो डिक्रीज कर गई है। देख रहे हो ना डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, तो इतनी एनर्जी जो है वो हमारी डिक्रीज कर गई है। अभी जो हमारा एन वाला लेवल यहाँ पर था वो कहाँ पर है, नीचे है। इतना समझ में आया, क्यों आया ये, क्योंकि जो लोन पेयर्स है नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में, उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली हमारे सॉल्वेंट के साथ, इंटरेक्शन हुई है। इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, हमारा जो ग्राफ है उसमें तो ग्रोथ से होगा, मतलब जो ऐसे वाली पीक्स हमने देखी थी, तो वो जो पीक्स थी वो ऐसे आई इंटरेक्शन की वजह से, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना कि वेवलेंथ का क्या होगा, क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेक्शन हुई, इसकी एनर्जी डिक्रीज कर गई, तो आप ओवरऑल क्या है, पाई स्टार वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं रही है, कहां पर हो रही है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अभी क्या होगा, तो जो ये वाला डिफरेंस था, अब हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना है, ये डिफरेंस, तो आप देख सकते हो जो ये वाली वैल्यू है ये क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो इस वाले केस में हमारे पास एनर्जी की वैल्यू, अगर हम आप लिखते हैं एनर्जी, ये हेक्सीन के केस में है और ये हमारी वॉटर के केस में है। ठीक है, एनर्जी वॉटर के केस में जब सॉल्वेंट है, और जब एनर्जी जब हेक्सीन हमारा सॉल्वेंट है, तो आप देख रहे हो वॉटर के केस में जो ये वाली एनर्जी है ये ज्यादा हो गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉटर वाली एनर्जी जो है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू हेक्सीन। ठीक है, तो जो वॉटर वाली जो एनर्जी है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू जो हमारा सॉल्वेंट जो है वो हेक्सीन है, तो क्या होगा, एनर्जी इसकी ज्यादा, तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ हमारी वॉटर वाले केस में कम हो जाएगी इन कंपेरिजन टू हेक्सीन। इतना समझ में आ रहा है डिफरेंस। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम एसीटोन वाले केस में अगर सॉल्वेंट हेक्सीन है और लेट्स से यहां पर 250 नैनोमीटर, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ ऐसे रैंडमली लिख रही हूं, कि अगर मान लो हेक्सीन वाले केस में हमारी जो वेवलेंथ है जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, अगर वो हेक्सीन वाले केस में 250 है, तो अब क्या होगा, जैसे ही हम वॉटर लेंगे तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी, तो हो सकता है ये वैल्यू कहां पर जाए, 235 नैनोमीटर। तो ये आता है डिफरेंस, समझ में आया। जैसे ही आपने पोलर सॉल्वेंट लिया है, नॉन बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्शन होगी, ये वाली हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रांजिशन की। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट लेने से क्या होगा, आपका पोलर सॉल्वेंट लेने से क्या होगा, जो वेवलेंथ है वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। समझ आएगा कॉन्सेप्ट। ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें क्या करना है सॉल्वेंट चेंज करने से इस वाले ट्रांजिशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हमें वो स्टडी करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमने सबसे पहले ले लिया हेक्सीन, ये है पाई, ये है पाई स्टार। ठीक है, ये किसके केस में है, हेक्सीन के केस में, जहां पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। अब हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं, जो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये जा रहे हैं पाई स्टार में। पहले क्या हो रहा था, ये वाले नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन जा रहे थे हमारे किसमें, पाई स्टार। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस है, ये वाली एनर्जी जो है ये हमने ले ली किस वाले केस में, हेक्सीन के केस में। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं पाई टू पाई स्टार की। अब हमें क्या करना है, हमें देखनी है, जैसे ही हमने सॉल्वेंट चेंज किया, वॉटर ले लिया, तो हमें बस ये डिसाइड करना है कि इंटरेक्शन हमारी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें ज्यादा होगी, या फिर जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है उसमें ज्यादा होगी। तो हम कैसे देते हैं, हमें पोलैरिटी डिसाइड करनी है। तो
यहाँ पे क्या है कार्बोनिल ये वाला और एक्साइटेड स्टेट में भी क्या होगा जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है पाई वाले ये जा रहे हैं किसमें पाई स्टार में। यही हुआ होगा कि पाई के इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार में चले गए हैं। अब ना आप एक बार ध्यान से सुनो क्योंकि ना बुक्स में ऐसा डायरेक्टली मेंशन नहीं किया हुआ है, बस एक रीजन हो सकता है ऐसा कि देखो आपको पता है जैसे ही पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आपकी बोन लेंथ क्या होती है बढ़ जाती है। ये बात मान रहे हो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में फिल करना स्टार्ट करेंगे बोन जो ऑर्डर है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। कैसे बताओ ऐसे मान लो कि ये है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बोन ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है ये हमारा बॉन्डिंग है ये एंटी बॉन्डिंग है इस तरह से देखिए ये बॉन्डिंग है ये वाला एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ पे मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है हमें क्या निकालना है बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। इस वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बॉन्डिंग में कितने हैं दो एंटी बॉन्डिंग में जीरो टू डिवाइड बाय टू वन यहाँ पे क्या है बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना है वन। मैंने क्या किया एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया अब क्या होगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितने हैं दो और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन टू माइनस वन वन डिवाइड बाय टू तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5। तो यहां से क्या हमारे पास कंक्लूजन आया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो बोन ऑर्डर डिक्रीज कर जाता है। बोन ऑर्डर डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। देखो इस बात को ध्यान से समझना बोन ऑर्डर अगर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। समझ गए या फिर और एग्जांपल से समझाते हो अगर आपके पास सिंपल सी डबल बॉन्ड एक तो सी सिंगल बॉन्ड सी है एक है सी डबल बॉन्ड सी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका बॉन्ड ऑर्डर है हमारे पास वन। बॉन्ड ऑर्डर क्या शो करता है बॉन्ड कितने हैं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना है बॉन्ड ऑर्डर है वन यहाँ पर है बॉन्ड ऑर्डर टू यही है। जब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी उतनी ही कम होगी। अगर इससे आप कंपेयर करो इसके साथ बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है टू से वन हो गया है बॉन्ड ऑर्डर तो हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। आपको भी पता है ये हमारा सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है जैसे एल्काइन से केस में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो सबसे शॉर्ट होती है लेंथ उसकी है ना क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा होती है। तो अब क्या है जैसे ही इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कम हुआ तो ये क्या होगी जो लेंथ है वो बढ़ गई है ठीक है और अब जो ये बॉन्ड है क्या हो गया वीक हो गया है इसी वाली बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही मैं आपको बोल रही हूँ जो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो हमारी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा हमारी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो वही कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाओ कि ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी वाला कार्बोनिल कंपाउंड है जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई को छोड़ के पाई स्टार में गए हैं तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी है ना। मान लो इसको मैं हटा रही हूं पूरे को इसको हटा देते हैं हमारा ये वाला डिस्कस हो गया है तो देखो ये हमारे ग्राउंड स्टेट में है पाई यहां पर है अभी क्या हुआ एक्साइटेड स्टेट में मान लो इतनी होगी दिखाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ जैसे ही इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाएगा तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज करेगी ठीक है। या फिर ऐसे ना करके मैं क्या कर सकती हूँ इसको ऐसे डैश वाले बॉन्ड से भी दिखा सकती हूँ। अब मतलब क्या हुआ मेरी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है अब मैं बॉन्ड लेंथ को इतना मतलब प्रेशराइज क्यों कर रही था फोकस हम क्यों कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ पे वो इसलिए क्योंकि हम बात करते हैं पोलैरिटी की और पोलैरिटी मतलब डायपोल मोमेंट पोलैरिटी से हम रिलेट कर पाएंगे डायपोल मोमेंट को। और आपने देखा होगा ये किस पे डिपेंड करता है इसका फॉर्मूला क्या होता है चार्ज क्यों क्या है चार्ज और साथ में डिस्टेंस डी क्या है डिस्टेंस। तो अगर हमारा चार्ज बढ़ता है तो भी हमारी डायपोल मूवमेंट बढ़ती है और अगर डिस्टेंस भी बढ़ रहा है दो एटम्स के बीच में तो भी हमारी डायपोल मूवमेंट इंक्रीज करती है। तो बस मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है क्योंकि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज कर गई है अब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्योंकि इंक्रीज कर गई है तो उसकी जो डायपोल मूवमेंट है वो भी क्या करेगी इंक्रीज करेगी क्योंकि चार्ज तो सेम है इंक्रीज करेगी। तो मतलब ये क्या हो गया ज्यादा पोलर बॉन्ड हो गया है पाई स्टार के जाने के बाद ज्यादा पोलर हो गया है इसलिए बुक्स में ऐसा लिखा होता है एक्साइटेड स्टेट इज एक्साइटेड स्टेट
इन केस ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज मोर फुलर, एक्साइटेड स्टेट इज मोर फुलर, तो उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर लेंथ बढ़ गई बोर्ड लेंथ, तो हमारी जो डायपोल मोमेंट है वो भी बढ़ जाएगी, इसलिए जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है वो क्या है, ज्यादा पोलर है। और अगर एक्साइटेड स्टेट ज्यादा पोलर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर होगी, एक्साइटेड स्टेट में। तो इस वाले केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होती है, समझ गए। ये हाइड्रोजन वाला केस लिया, अब मुझे क्या करना है, वॉटर वाला। अब मैं आपको बोल रही हूँ एक्साइटेड स्टेट ज्यादा पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट में ही होगी, तो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं हो रही, तो इसके लेवल की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अब एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और अगर एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो स्टेबिलाईजेशन आएगा, स्टेबिलाईजेशन से क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो मान लो इसकी एनर्जी स्टेबिलाईजेशन की वजह से इतनी हो गई है, अब हमारा पाइसा इतना हो गया। ये किसके केस में है, वॉटर के केस में, ठीक है। तो अभी अगर हम देखते हैं एनर्जी का, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ वॉटर। वॉटर के केस में तो हम देख रहे हैं, जब हम बात करते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की, तो जो एनर्जी है एच की वो ज्यादा है, और एनर्जी जो वॉटर वाले केस में है वो क्या है, दोनों लेवल्स के बीच की एनर्जी जो है वो वॉटर के केस में कम है। तो वेवलेंथ का क्या होगा, वेवलेंथ जो है वो वॉटर वाले केस में ज्यादा होगी, ठीक है। तो अभी बात हो सकती है, आपको एग्जाम में जब लिखा आएगा तो कुछ आपको वैल्यूज की टर्म्स में आएगा, कि अगर मान लो यहाँ पर 200 नैनोमीटर है तो यहाँ पर कितनी होगी, इस बार हाइड्रोजन के केस में 235 नैनोमीटर। ये मैं वैल्यूज मैंने खुद से लिखे हैं, बुक्स में ऐसे नहीं है, कुछ अलग वैल्यूज होंगी सिर्फ समझाने के लिए। मतलब वॉटर के केस में क्या है, जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ जो है वो कम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जैसे ही सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं, जैसे ही हेक्सेन से जा रहे हैं वॉटर में, तो क्या हो रहा है हमारे पास, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या है ये, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। जो पहले वाला केस था एन टू पाई स्टार, इसमें क्या होते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यहाँ पे जैसे ही हम हेक्सेन से वॉटर में जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी, तो वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से यहां तक वेवलेंथ डिक्रीज करिए, मतलब क्या है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यहां पर हेक्सेन से वॉटर में जाने से वेवलेंथ इंक्रीज करिए, तो ये क्या है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है, बट फिर भी मैं चाहती थी इस चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में खत्म कराऊं, ताकि आप एक ही बार सारी चीजों को रिलेट कर पाओ, बीच में गैप ना आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, और अगर एक भी मिस हुआ तो बस फिर गैप, ठीक है। तो अभी ये हो गया। अच्छा एक और, जो हमारे पास टोमेटो होते हैं, टोमेटो नॉट जोमेटो, जो टोमेटोस होते हैं, रेड कलर होता है, रेड कलर किसकी वजह से आता है, लाइकोपीन, एक केमिकल होता है, ये केमिकल कंपाउंड होता है लाइकोपीन। तो जो ये वाला कंपाउंड है ये हमारे टोमेटोस में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, उसको रेड कलर देता है। टोमेटोस जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, किसकी वजह से, लाइकोपीन की वजह से। अब क्या होता है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। जो लाइकोपीन होता है उसका रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। आप ये देखोगे कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा क्या होती है, मैंने आपको बताया कॉन्जुगेशन से एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। एनर्जी डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो कलर आना स्टार्ट होगा, ठीक है। वो विजिबल रेंज में पहुंचेगा तो कलर आना स्टार्ट होगा। इसमें क्या है, 11 नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है, तो एनर्जी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज करके वेवलेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो वेवलेंथ जो अपनी विजिबल वाली वेवलेंथ है 400 to 800 नैनोमीटर उसमें पहुंच गई है। तो इसी वजह से क्या होता है, इसका रेड कलर आता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि विजिबल वाली हमारी है विवियो, अगर हम लिखेंगे तो रेड की वेवलेंथ ये है सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ये तो क्या होता है, कई बार आपसे वाइवा वगैरह में पूछते हैं कि इसका कलर ऐसे क्यों होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पेशली, तो आपको ध्यान ये रहना है, बस आप ना उसके स्ट्रक्चर में फोकस करो। अगर स्ट्रक्चर में आपको दिख रहे हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स तो फिर समझ जाओ, अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं तो क्या होगा, उसकी एनर्जी फिर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की वजह से एनर्जी डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज करने की वजह से वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो जितने भी कंसेप्ट्स थे वो आपको समझा चुकी हूँ,
थक गए होंगे, अभी तो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन एक लास्ट टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं। गेट में स्पेसिफिकली उससे क्वेश्चन आता है और मैंने नेट में भी देखा है, उससे क्वेश्चन आया है, तो आपको बिल्कुल पढ़ना है। और वैल्यूज का जो चार पांच वैल्यूज यहाँ पर मैं लिखूंगी उसका आपको रट्टा मारना है, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर आपको वैल्यूज लिख के दे। वो चेक ही ये करना चाहता है, क्योंकि प्लस तो हर कोई कर लेगा, एग्जामिनर चेक ही ये करना चाहता होता है, बच्चों को पता भी है नहीं पता, तो आप वो वैल्यूज याद करेंगे, एग्जामिनर के भरोसे नहीं बढ़ेंगे, वैल्यूज हमें लिखी हुई मिलेंगी, याद करेंगे। ठीक है, अब क्या लेना है हमें, हमें सीखने हैं वुडवर्ड ने हमें कुछ रूल्स दिए हैं जिसके बेसिस पे हम किसी कंपाउंड की क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली। वुडवर्ड रूल्स फॉर लैम्डा मैक्स कैलकुलेशंस, लैम्डा मैक्स के कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या चाहिए, वुडवर्ड रूल्स की हमें नीड होती है। तो क्या करना है, देखो आपके सामने मैं कोई कंपाउंड लिख देती हूँ, ये ऐसा मैंने कोई कंपाउंड लिख दिया, बहुत ही गंदी रिंग बनाई है बट ऐसा कंपाउंड है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है इसकी लैम्डा मैक्स क्या होगी। लैम्डा मैक्स समझ पा रहे हो क्या है, लैम्डा मैक्स का मतलब ऐसे वेवलेंथ की वैल्यू जिसपे ये मैक्सिमम एब्सॉर्ब करेगा। दिखाया जा रहा है आपको जो पीक्स होती है, यहाँ पे मैक्सिमम जो एब्सॉर्बेंस की वैल्यू आएगी वो क्या है, लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप वुडवर्ड रूल्स यूज करते हो। क्वेश्चन कैसे आएगा, न्यूमेरिकल टाइप आता है, आपको एक कंपाउंड दे देंगे जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, आपको बतानी है इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए होंगे 275, 276, 280, 390, इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे, आपको बताना है कैसे। तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं। तो पहले रूल्स देख लेते हैं, फिर मैं बुक्स देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी, वो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल देखो, अगर आपके पास अभी ना दो तीन टर्म्स हैं जो आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, होमो एन्युलर डाइन, अगर आपके पास होमो एन्युलर डाइन है तो आप क्या करोगे, आप बेस वैल्यू लोगे 253 नैनोमीटर। मतलब जो मैं आपको वैल्यूज दे रही हूँ ना, ये आपको ऐड करते जाते हैं, जो भी आपके मॉलिक्यूल में जैसे जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से आप ये वाली वैल्यूज ऐड करोगे, फाइनल ऐड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज योर लैम्डा मैक्स। डाइन क्या होती है, अगर आपको रिंग्स दी हुई है, मतलब कोई भी साइक्लिक रिंग आपको दे दी मैंने, तो अगर कॉन्जुगेटिव डबल बोन्स एक ही रिंग के अंदर है, दोनों कॉन्जुगेटिव डबल बोन्स, जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल लिखे हैं यहां पर, यहां पे क्या है, जो डबल बोन्स है दोनों, नाइन बोला है मैंने, तो जो दोनों डबल बोन्स हैं वो एक ही रिंग में प्रेजेंट होंगे और कॉन्जुगेटेड होंगे। अगर कॉन्जुगेटिव डबल बोन्स एक ही रिंग में प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमो एन्युलर डाइन। लिख लो साइड में छोटा सा ताकि आपको याद रहे, कॉन्जुगेटेड डबल बोन्स इन सेम रिंग, मतलब जो ये वाली साइक्लिक रिंग है इसी में आपके दोनों कॉन्जुगेटिव बोन्स अवेलेबल हैं। तो अगर ऐसा कोई आपको सिस्टम दिखता है उसके लिए आप वैल्यू कितनी कंसिडर करोगे, 253 नैनोमीटर, रट्टा मार लो, एग्जाम में नहीं दी होगी, ठीक है। सेकेंड आती है हिट्रो एनुलर डाइन। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें वैल्यू चाहिए होती है, कैसे याद करोगे, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, 253 को पूरा रट्टा मार रखा है, अब क्या करेंगे, 2 को सेम रखो, 5 3 15, इसके लिए वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर, ठीक है, इतना इजी है। 253 याद कर लो, 2 तो सेम ही रहेगा, 5 3 15 यहाँ पे करके लिख दो। अभी क्वेश्चन आता है कि हिट्रो एनुलर डाइन क्या होती है, तो अगर मैंने यहाँ पे रिंग आपको इस तरह से दिखाई है, ये तो मैं फ्यूज रिंग ले रही हूँ, मतलब दोनों रिंग्स को साथ में सेम बॉन्ड में मतलब फ्यूज कर रखी है, ऐसे इनको क्या बोलते हैं, फ्यूज रिंग्स। तो इनमें क्या होता है, अगर आपको मैं इस तरह से दूं, मतलब जो कॉन्जुगेशन है, आपको कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड तो पता है ना, मतलब ऐसे वाले कॉन्जुगेशन में, मतलब इसको अगर मैं ऐसे ब्रेक कर दूं नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव दे देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इस तरह से यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। मतलब जो कॉन्जुगेशन में है जिनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। तो यहाँ पर क्या है, देखो कॉन्जुगेशन में तो है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव देखिए बॉन्ड बना लेगा, मतलब कॉन्जुगेशन में तो है, लेकिन जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो क्या है, अलग अलग रिंग में है, दोनों क्या है, अलग रिंग में है, तो
कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स इन डिफरेंट रिंग्स. बाकी सेम है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स इन डिफरेंट रिंग्स. ठीक है, तो ऐसे वाला जब भी सिस्टम होगा जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरो एनुलर डाइन. और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्यूज सिस्टम होना जरूरी है. अगर मान लो इस तरह का भी सिस्टम है कुछ ऐसा, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, मैंने यहां लगा दिया, तो ये भी किस में आता है हमारा, हेटेरो एनुलर डाइन में. दोनों अलग अलग रिंग है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है लेकिन दोनों अलग अलग रिंग्स में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा, हेटेरो एनुलर डाइन. ठीक है, समझ आ गया. उसके बाद थर्ड है हमारा सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम. या तो सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम हो और साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम. अभी ना एग्जाम्पल से समझ में आया, कभी तो समझ आता नहीं क्या लिख रही हूं. देखो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इनके लिए जो वैल्यू होती है वो आप कितनी लेंगे, 215 याद करेगा, 217 थोड़ी सी ज्यादा. ठीक है, 217 ले. अब ये क्या होता है सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम का मतलब है, सिंपल अगर मैं ले लू ये है मेरा ब्यूटाडाइन सिस्टम. मैं आपसे अगर इसकी पूछ रही हूँ वैल्यू तो क्या करेंगे, इसकी बेस वैल्यू आप कितनी लेंगे, 217. ठीक है, ये क्या है सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम. इसमें क्या है, अभी रिंग्स विंग्स हमारे पास नहीं है तो ये दोनों वाले केसेस नहीं है, ये वाला केस है 217 वैल्यू हमें लेनी है. ठीक है, या फिर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो तो क्या लेंगे आप, 217 वैल्यू ले लेंगे. अब ये वाला क्या है साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ऐसे मान लो एक रिंग आ गई है लेकिन रिंग के अंदर नहीं है, डबल बॉन्ड बाहर है. क्या डिफरेंस हुआ कि देखो है तो ब्यूटाडाइन सिस्टम ही लेकिन जो एक डबल बॉन्ड है ना वो रिंग के साथ लगा हुआ है. ठीक है, तो ऐसे वाला जो सिस्टम है आपको बहुत आराम से समझ में आएगा. होमो एनुलर में क्या होगा, सेम रिंग में दो डबल बॉन्ड. हेटेरो में क्या होगा, दो डिफरेंट रिंग में दो डबल बॉन्ड. यहां पर क्या है, या तो रिंग ही नहीं होगी और अगर रिंग होगी तो एक रिंग होगी और इस तरह का सिस्टम होगा. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनके लिए वैल्यू हम लेते हैं 217 नैनोमीटर. समझ आ गया. अभी नेक्स्ट है, बस ये याद रखने से तो बहुत इजी है, कोई भी अगर एल्काइल चेन है, एल्काइल चेन या फिर रेजिड्यू, या फिर रेजिड्यूल ग्रुप है, एल्काइल चेन या फिर एल्काइल रेजिड्यू, उसके केस में क्या होता है, आपको 5 ऐड करना होता है. इसकी वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी. एल्काइल चेन के केस में मतलब कोई भी एल्काइल अगर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है उसके केस में भी क्या करना होता है, वैल्यूज में 5 नैनोमीटर ऐड करना होता है. नेक्स्ट रूल क्या है, अगर कोई भी क्या बोलते हैं उसको, रिंग के बाहर अगर कोई बॉन्ड लगा हुआ है, एक्सोसाइक्लिक, अगर कोई भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है. एक्सोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, अगर कोई ऐसी रिंग है जिसके बाहर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब जैसे कि ये एक्सोसाइक्लिक है ना, ये रिंग के बाहर लगा हुआ है, तो जो देखो ऐसे जो ये वाला बॉन्ड है ये क्या है, रिंग के अंदर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइक्लिक. एंडोसाइक्लिक का मतलब रिंग के अंदर, और जो ये रिंग के बाहर लगा हुआ है ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ सीन है कि रिंग के बाहर जा रहा है बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 ऐड करते हैं, 5 नैनोमीटर. उसके लिए वैल्यू कितनी देते हैं, 5 नैनोमीटर. और एक लास्ट रूल ये है, फोर एवरी कॉन्जुगेटेड, फोर एवरी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एड 30, मतलब आपको 30 नैनोमीटर एड करना है फॉर एवरी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड. बस आपको ये वाले रूल एक बार याद कर लो, एग्जाम्पल से मैं सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दूंगी, बस आपको ये ध्यान रखना है. तो अब एक काम करते हैं, ये वाले रूल्स रफ नहीं करते, मैं साइड में आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ. ठीक है, ये वाले मैं सारे हटा देती हूँ. तो आपको ये वाले पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखने हैं और बाकी बस अभी हमें क्या करना है, एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. एग्जाम्पल्स जो मैं खुद से बना सकती हूँ बना लेती हूँ. आपको मान लो पेपर में क्वेश्चन आया है, ये आपको इस वाले कंपाउंड का बताना है लैम्डा मैक्स. कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो भी हमारे पास सिस्टम गिवन है
हमें इन तीनों में से डिसाइड करना है वो कौन से वाला सिस्टम है। सबसे पहले क्या है, होमो एनुलर डाइन। क्या सेम रिंग में दो डबल बोन है? नहीं है, तो फर्स्ट वाला कैंसिल। सेम रिंग में दो डबल बोन नहीं है तो होमो एनुलर नहीं है। हेटेरो एनुलर का मतलब क्या होता है? दो अलग रिंग्स में कॉन्जुगेटेड डबल बोन्स, दो अलग रिंग्स में कॉन्जुगेटेड डबल बोन्स। तो ये क्या है? हेटेरो एनुलर डाइन। ये क्या है? हेटेरो एनुलर। ठीक है, हेटेरो एनुलर की वैल्यू कितनी होती है? 215। इतना ठीक है। अभी जो ये वाला पॉइंट है तो ये वाला चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन तीनों सिस्टम में से कोई एक तरह का सिस्टम आपको गिवन होगा। अभी क्या बचे? एल्काइल रेजिड्यू, एक्सोसाइक्लिक और ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एल्काइल रेजिड्यू का क्या मतलब होता है? देखो ये दोनों बॉन्ड्स क्या है, कॉन्जुगेशन में है। एल्काइल बॉन्ड का मतलब होता है जहां पर ये बॉन्ड खत्म हो रहे हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे जो ये वाली कार्बन है, इधर एक तो एच लगा हुआ है यहाँ पर, और ये क्या है, ये वाली एल्काइल चेन है। यहाँ पे क्या है, एक ये वाली एल्काइल चेन है, एक ये वाली एक्स्ट्रा है, ये वाली जो ये है, ये तो एच लगा हुआ है। एक ये वाली जो है एल्काइल चेन है। जो ये वाला सिस्टम है ना कॉन्जुगेशन वाला, आपको इसको नहीं देखना, बस इसको नहीं देखेंगे आप। इन कार्बन के साथ जो भी अलग से अटैच है एल्काइल चेन, उसको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे तो क्या है, ये वाली जो एल्काइल चेन है इसको आप नहीं मानोगे क्योंकि ये तो हमारी कॉन्जुगेशन में ही आ गई है। ठीक है, ये वाली जो है एल्काइल, इसको हम मानेंगे। एल्काइल का मतलब क्या होता है, जो हमारी अनसैचुरेटेड जो कार्बन एटम्स हैं इनके साथ में जो भी ये रिंग लगी हुई है पूरी, इसको हम बोलते हैं एल्काइल चेन या फिर एल्काइल रेसिड्यू। इसके लिए क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को हमने मान लिया, एक ये वाला बॉन्ड हो गया, एक ये वाला बॉन्ड हो गया। इस वाली कार्बन साथ ये भी एल्काइल चेन है वैसे तो, लेकिन क्योंकि कॉन्जुगेशन में आ रही है इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ये वाली कार्बन, ये तो कॉन्जुगेशन में चला गया, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसको काउंट करेंगे एक। इस वाली कार्बन की बात करते हैं, एक एच लगा हुआ है, एक की एल्काइल चेन लगी हुई है। तो आप देखो कितनी एल्काइल चेन होगी हमारे पास, 1, 2, 3, 4। और एक एल्काइल चेन के लिए आपको वैल्यू मिलती कितनी, 5। अभी हमारे पास कितनी है, 4 एल्काइल चेन, तो वह कितना हो गया, 4 × 5 मतलब 20। समझ में आया? एक एल्काइल चेन की, सिंगल एल्काइल चेन के लिए, 1 एल्काइल चेन रेसिड्यू के लिए 5 वैल्यू होती है। हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 के लिए कितनी होगी, 20। 1 के लिए 5, 4 के लिए 20, 4 × 5 = 20 एल्काइल हो गया। नेक्स्ट क्या देखना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। आपको दिख रहा है कोई एक्सोसाइक्लिक? एक्सो का मतलब साइक्लिक रिंग के बाहर, ऐसे वाला, ये ऐसा कोई दिख रहा है? ये वाली रिंग है, इसके बाहर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसके बाहर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एक्सो वाला पार्ट भी यहाँ पर नहीं है। और ये क्या है, एवरी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। जो ये वाले डबल बॉन्ड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके अलावा अगर कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन में आ रहा है इनके साथ, उसके लिए हम 30 ऐड करते हैं। तो वैसे वाला जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है ही नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए भी कोई वैल्यू नहीं देंगे, बस इनको टोटल कर देते हैं। 215 + 20 कितना होता है, 235। तो इसका आंसर आ गया आपका 235 नैनोमीटर। तो इस वाले सिस्टम के लिए जो वैल्यू है हमारी लैम्डा मैक्स की, वो कितनी है, 235 नैनोमीटर। ठीक है, इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, जो मैंने पहले लिखा था ये वाला। दिल से डिसाइड करो कौन सा वाला सिस्टम है। होमो एनुलर मतलब दो रिंग होनी चाहिए, मतलब दो डबल बॉन्ड होनी चाहिए एक रिंग में। यहां तो रिंग में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए होमो नहीं है। हेटेरो का मतलब दो अलग अलग रिंग्स में डबल बॉन्ड होने चाहिए, यहां तो सिर्फ एक ही रिंग है वो भी नहीं है। कौन सा बचा, थर्ड वाला। वैल्यू कितनी होती है, 217। ठीक है, 217 होगी। अब हमें क्या करना है, एल्काइल चेन काउंट करनी है। देखो ये वाली कार्बन है, इस वाली कार्बन के साथ इस वाले को हम काउंट करेंगे नहीं, जो बाकी ग्रुप लगे हुए, एक ये वाला एल्काइल चेन है, एक ये वाली एल्काइल चेन है। ठीक है, और इसके साथ क्या लगा हुआ, एक एच लगा हुआ है, ऐसे दे देते हैं इसको, एक एच लगा हुआ है, इस साथ एक एच लगा हुआ है ऐसे। तो एचो तो काउंट नहीं करते, एल्काइल होना चाहिए, मतलब तो दूसरी कार्बन होनी चाहिए, उसको मैं बोलती हूँ एल्काइल चेन। तो यहाँ पे ये एच तो हो गए नहीं, ये तो पूरा सिस्टम, इसको नहीं काउंट करना, बस इतना मार्क कर लो कि इनको नहीं काउंट करना, जो ये बीच वाले दोनों कार्बन है इनके साथ में अगर कुछ लगा हुआ है अलग से तो काउंट करेंगे, इनको नहीं काउंट करना। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये हो गया, ये क्या बचा है, CH2। इसके बाद क्या है, दोनों एच लगे हुए हैं, मतलब एक भी एल्काइल चेन नहीं है। टोटल कितनी है, सिर्फ दो ही है, एक के लिए 5 वैल्यू होती है, दो के लिए कितनी हो जाएगी, 10। टोटल आंसर 7, 2, 2, क्योंकि जो लास्ट वाला है हमारे पास एवरी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे सिर्फ ये दो ही है, इनके अलावा
अलावा कोई भी बॉन्ड नहीं है कॉन्जुगेशन में, तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अभी ये बाकी की दोनों एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सेम रूल आपको अप्लाई करना है, बट सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि इन तीनों सिस्टम्स में से आपका जो क्वेश्चन आपको मिला है वो कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देखो, इस रिंग में क्या है, मतलब जो ये वाली रिंग है इसमें क्या है, दोनों डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये वाली दोनों डबल बॉन्ड सेम रिंग में है और ये क्या है, देखो अगर आप इस वाले सिस्टम को कंसीडर करोगे तो आप बोलोगे ये क्या है, होमोएन्युलर। ठीक है, अगर आप इसको नोटिस कर देते हो गया होमोएन्युलर, लेकिन अगर आप ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड देखते हो तो इन दोनों के बेसिस से आप इसको क्या बोलोगे, हेटरोएन्युलर, है ना। अब आप एग्जाम में कैसे डिसाइड करोगे कि होमो है या फिर हेटरो है, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, अगर आपके पास एक रिंग में होमो भी है और हेटरो भी, तो आप होमो कंसीडर करोगे उसको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास होमो की वैल्यू ज्यादा होती है और हर एक सिस्टम अपने आप को क्या करता है, ज्यादा कॉन्जुगेटेड रखना चाहता है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, रैंडम मैक्स या मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर आप इसको हेटरो मान लेते हो तो आप बेस वैल्यू 215 लोगे तो आपकी ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, हमें क्या चाहिए, लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू जितनी की हो सकती है। तो अगर किसी सिस्टम में आपको होमो और हेटरो दोनों दिख रहे हैं तो आप क्या करोगे, होमो कंसीडर करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाला जो दोनों सिस्टम है, मैं फिर से लिखती हूँ इसको पूरे को, इस तरह का हमारा सिस्टम है ये, तो हमने क्या किया, होमो कंसीडर कर लिया इसको। होमो की कितनी होती है वैल्यू, 253। ठीक है, अभी क्या करना है नेक्स्ट, ये दोनों तो कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि होमो हो गया, तो फिर वो होमो ही है। अभी करना है एल्काइल सिस्टम, मतलब एल्काइल चेन कैसे करेंगे, ये है हमारा जो सिस्टम जो कि हमने अभी कंसीडर किया है, इसके अलावा बाकी सब कुछ ऐड होगा, बस इस सिस्टम को नहीं लाना है। तो जो ये कार्बन है इसके लिए ये वाली CH3 एल्काइल चेन हो गई, इधर वाला ये भी CH3, तो यहाँ पे दो हो गए, इस वाले कार्बन का H लगा हुआ है, अगर यहाँ पे CH3 भी होता तो हम कंसीडर करते, अब यहाँ पे क्या है H लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाओ, इस वाले कार्बन पे पहुंचे, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है CH3, इसको काउंट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका सिस्टम हो गया इतना, आप एक दोगे 1 2 3। अब यहाँ एक बार ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, ये हमारा डबल बॉन्ड जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है, मतलब इससे कॉन्जुगेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, इस वाले डबल बॉन्ड का ये वाला काउंट आपको नहीं करना है। जितनी चीजें कॉन्जुगेशन में हो जाएंगी तो आप वहीं जाके रुकोगे जहां पे कॉन्जुगेशन खत्म होगी, आप ये वाला काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि अभी भी कॉन्जुगेशन में है ये बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन की वजह से आप क्या करोगे, जहां तक भी कॉन्जुगेशन आपके जा रहे हैं वहां तक के सारे एल्काइल चेन काउंट करके आओगे। यहाँ पे हमने देखा इस कार्बन पे एच लगा हुआ है, यहाँ पहुंच गए, इस वाले कार्बन पे ये एक एल्काइल चेन है ये वाली, तो इसको हमने काउंट कर लिया, फिर ये आगे यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे एक एच है और ये वाली एल्काइल चेन है, इसको काउंट कर लिया। अब काउंट करो टोटल कितनी हुई है, 1 2 3 4, हमारे पास क्या है, 4 एल्काइल चेन, एक चेन को 5 मिलता है, 4 को कितना मिलेगा, 20, 5 4 20। ठीक है, और अब मुझे लास्ट वाला पॉइंट, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्या किसी रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड है इमीडिएट बिल्कुल एक्सो वाला, तो कैसे करते हैं, देखो जो ये वाली रिंग है ये वाला डबल बॉन्ड से बिल्कुल बाहर है, इसको अगर मैं अलग से लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, ऐसे, इस तरह का सिस्टम है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं हमारे एक्सो बॉन्ड में, क्योंकि हमें रहता है तो कॉन्जुगेशन में है, इसको हम कॉन्जुगेशन में मान लेते हैं, ये देखना भूल जाते हैं कि इस वाली रिंग के लिए एक्सो का काम भी कर रहा है। तो एक्सो के लिए क्या होता है, 5 एड होता है। ठीक है, और जो लास्ट वाला है, फॉर एवरी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, मतलब ये वाला तो हमारा हो गया होमो सिस्टम, इनको तो काउंट नहीं करेंगे। अब इन दोनों के अलावा जितने भी ऐसे डबल बॉन्ड्स होंगे जो हमारी इन होमो वाली कॉन्जुगेशन को और बढ़ाएंगे, उसके लिए हर एक डबल बॉन्ड के लिए 30 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर यह सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, तो कितना करेंगे, 30 ऐड कर देंगे। अब कैलकुलेट करो, 5 3 5 3 5 3 8 5 6 7 8 9 10, आपकी वैल्यू होगी 308 नैनोमीटर। इस तरह से करते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 5 3 8 8 9 10 3, ठीक है, 308 नैनोमीटर। अभी लास्ट एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको कंसीडर करो तो ये क्या है, होमो, सेम रिंग में है, इसको कंसीडर करो तो भी क्या है, होमो, लेकिन हम किसी एक ही सिस्टम को कंसीडर करेंगे होमो, क्योंकि हमें ना बेस वाले जो इनको हम बोलते हैं बेस वाले वो एक ही होते हैं, इन तीनों में से किसी आप एक को ही दोगे, ये नहीं कि ये वाली भी होमो रिंग है ये वाली भी होमो रिंग है तो दो बार ऐड कर दो, ऐसे नहीं करना है। किसी एक सिस्टम को होमो मान लो, हमने मान लिया कि चलो हमने इसको होमो मान लिया, ठीक है,
होमो की वजह से हमने क्या किया, इसको 253 इसको वैल्यू दे दी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एल्काइल चेन देखने कैसे करेंगे, यहां से शुरू करते हैं। कहां तक जाएंगे, जहां तक ये कॉन्जुगेशन जा रही है वहां तक हमें सारे एल्काइल काउंट करने हैं। इस वाले कार्बन के लिए यहां पे एक एच है और ये वाली एल्काइल चेन है, काउंट कर लो वन। इस वाले के लिए एच है, यहां पे एच है, नहीं काउंट करना। ये क्या है, इस वाले कार्बन में भी एच है, इसको भी काउंट नहीं करना। यहां पर आ गए, यहां पे एच तो नहीं है लेकिन ये वाला बॉन्ड है तो इसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट वाले कार्बन में गए, एच गए, एच को काउंट नहीं करना है। नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन, यहां पे पहुंच गए, एक ये वाला है और एक ये है। ठीक है, इस तरह से एल्काइल काउंट करते हैं। बस आपको ना एल्काइल काउंट करते हैं ध्यान ये रखना है कि अगर डबल बॉन्ड वाली कार्बन को ना गिन लो, कि मतलब इस वाली कार्बन के लिए देख रहे हो तो ये ना कर लो कि ये भी कार्बन है, तो कार्बन इस वाली को काउंट नहीं करना जिसमें डबल बॉन्ड आया हो, बाकी सारे कार्बन को काउंट करो। ठीक है, तो इस तरह ये कार्बन जुड़ी हुई है हमने काउंट कर लिया, इसको काउंट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको भी काउंट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो टोटल देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 एल्काइल चेन, 1 के लिए 5 तो 4 के लिए 20। ये समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई कैसे कर रही, मतलब जो एक ये वाली एल्काइल जिसको मिलेगा 5, इसको भी मिलेगा 5 5 10 15 20, इस तरह से 20 हो गया। तो यहां तक हम पहुंच गया, हमें चेक करनी है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इस वाली रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड कैसे काम कर रहा है, एक्सो के जैसे, एक्सो वाला बॉन्ड है, इसके लिए आ गया 5 ऐड कर दिया, किसके लिए, ये एक्सो के लिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, लास्ट में एक्सो हो गया, ये हो गया, लास्ट बचा हुआ फॉर एवरी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। आपका होमो वाला सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है, ये वाला क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड इसी कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, और ये वाला भी डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है। तो हर एक डबल बॉन्ड की 30 वैल्यू होती है, तो 30 इसको मिलेगी, 30 इसको मिलेगी, टोटल कितनी होगी, 2 × 30 मतलब 60। ठीक है, अभी ऐड कर दो, 3 + 5 8 6 8 8 + 5 13 और ये हो गया 3 3 38। इस तरह से आपको करने होते हैं सारे क्वेश्चंस। अब आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको किसी भी बुक में कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जहां पे बुक होगी, पावला देख लो या फिर कोई भी जैसे आपको बुक मिले, जहां से भी मिले, पीएस कलसी से देख लेना, किसी से भी देख लेना, जहां से भी आपको मिल जाए, सिल्वरस्टीन में भी होगा, देख लेना जैसे भी मिले, तो क्वेश्चंस कर लेना खुद से। और बाकी ये वाला चैप्टर मेरी तरफ से तो पूरा खत्म हो गया है, बहुत ही लंबी वीडियो होगी, जाके पानी वानी पी लो। ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे छोड़ना मत इस चैप्टर को, साथ में भी क्वेश्चंस करके निपटा दो एक ही बारे में, साथ में नोट्स ले लो अच्छे से प्रॉपर, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, जब क्वेश्चंस करने बैठोगे कुछ अलग अगर एक्सटर्नल पॉइंट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो अपने नोट्स में ऐड कर लो और बस एक ही दिन में चैप्टर खत्म करके साइड करो। बीच में एक बार रिवाइज कर लेना, पेपर से पहले वाले रिविजन में देखना, इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कोचिंग, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, कॉन्सेप्ट्स को आप बीच में गैप नहीं आएगा, जल्दी कवर कर पाओगे। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना, बहुत ही ज्यादा बड़ी वीडियो बना दी है तो लाइक तो पक्का डिजर्व करती हूँ मैं। ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने काफी अच्छा ही पढ़ाया है, बाकी आप लोग बताना। ठीक है, चलो टेक केयर।